वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती और मुस्कुराती मॉर्निंग में आपको गुड वेलकम करते हैं. लेकिन मुस्कुराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मुंह खोलना पड़ता है ना, कैसे? और अगर आपके दांत अच्छे नहीं हो या दांतों में दर्द हो, क्या आपका दिल चाहेगा मुस्कुराने का, हंसने का, हंसाने का? नहीं ना. ये हंसने हंसाने की बातें मैं क्यों कर रही हूं? ऐसे तो मेरा दिल चाहता है रोज मैं आपको हंसाऊं, आपके के दिन की शुरुआत को अच्छा कराऊं, मगर मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी अगर आपके दांत में दर्द हो, आपको ठंडा गर्म लग रहा हो. आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, ठीक है? यानी आप लोगों को बताना कि आप लोग मेरी बातों पे हंस कैसे सकते हैं बगैर किसी तकलीफ और दर्द के. अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो जाहिर है वो दांत जो आपने मुंह में छुपाए हुए आप खुल के लोगों को दिखा सकते हैं. जैसे मैं दिखाती हूँ. और इसका थीम है कि से आ, मैं आराम से आ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दांतों की हेल्थ सही है. मैं अपने दांतों का ख्याल रखती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आराम से आ करें. जरा क्योंकि हमारा ये जो आ है ना, यानी हमारा मुंह है ना, ये ही बताता है कि हमारे अंदर की हेल्थ कैसी है. चाहे हम अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे शक्ल पे 12 बज रहे होते हैं, तो ये मुंह ही बताता है. ये सैड हो जाता है, ये एन की तरह हो जाता है. जब ये यू की तरह होता है इसका मतलब है कि हमारी अंदर बाहर हम सब जगह से सही है. लेकिन एक जबरदस्त राय हमें चाहिए होगी किसी एक्सपर्ट से, क्योंकि मैंने तो मेडिकल पढ़ा नहीं है भाई. मुझे तो यही सुनने में जो आया है वही आपको बता दिया. लेकिन एक्चुअली एक पढ़ा लिखा शख्स डॉक्टर जब आपको बैठ के बताएगा कि आप अपने दांतों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, वो भी खास आज के दिन बहुत जरूरी है आप सबको अवेयरनेस देना, तो जरा हमारे शो बड़े अच्छी तरीके से चल सकेंगे. क्योंकि हमने आपकी सुबाहों को खुशगवार बनाना है और उस खुशगवारी के लिए जरूरी है कि हमारे साथ होने चाहिए. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब मिन्हास, जो कि कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है. वेलकम टू द शो. थैंक यू. क्योंकि आज ओरल हेल्थ डे है और पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को कि उनको अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए. जी बिल्कुल. क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, आपको पता भी नहीं चलता, ठंडा गर्म लग रहा होता है, आप दांत साफ कर लेते हैं, इंद्रधारा लगा लेते हैं, लौंग रख लेते हैं, मगर फिर भी दर्द नहीं जाता. क्या वजूहात होती है ये जो सेंसिटिविटी होती है दांतों की? इसकी दांतों की सेंसिटिविटी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं. उसकी मेन जो कॉजेज हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें मसूड़े दांतों के खराब होने या दांतों में कैविटी होने से हो सकती हैं. जी. इनकी रेमेडी के लिए तो हमारे पास किसी डेंटिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा. लेकिन बेहतर ये है कि लोग इन चीजों को खुद टेक अप करें. बिल्कुल. उसी के लिए जो हम आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को हर साल, उसका भी मकसद ये है कि लोगों को आगाही बेहतर से बेहतर मुयस्सर हो. जी. और आपके अच्छा लोग कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया. जी ठीक है. अब वो कीड़ा क्या है लोगों को बताइए, क्या कोई चलती हुई चीज है कीड़ा, ये क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या उनके दांत में फंस रहा है जिसकी वजह से कैविटीज हो रही. जी दांत में कीड़ा लगने की असल वजह दांतों में खाना फंसना है और इसको हमें लिमिट करना पड़ता है. हाँ. कीड़ा बेसिकली दांत जब खाना फंसेगा उसके अंदर गलन सड़न होगी, दांत टूटेगा फूटेगा. इस टूट फूट की वजह से दांत में खोड़ और खड्डा पैदा होगा. इस ही को हम इन जनरल कीड़ा कहते हैं. तो ये खड्डे होते कैसे? लेकिन ये होते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी से. अच्छा. मुंह में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जरसू में होते हैं, जो इस चीज को करते हैं वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. अच्छा. जो गजा दांतों के दरमियान या दांतों पे फंसी रह जाती है इसी गजा को वो खाते हैं. इसी गजा को खाने के बाद वो अपने टॉक्सिन्स या तेजाब रिलीज करते हैं. इसी तेजाब की वजह से दांत नरम होता है, गलता है, सड़ता है. और जब आप खाते पीते हैं या कोई भी सख्त चीज खाते हैं तो वो पहले से कमजोर हो चुका होता है. बीमारी होती है, कुछ होता है तो अम्मी हमारा ख्याल रख लेती है. अगर कोई चोट लग गई, जख्म हो गया, लेकिन मुंह के अंदर का क्या करें? फिर अम्मी हमारा ख्याल कैसे रखें? क्या चीज हो ऐसी? देखिए ये बुनियाद जो आपने बहुत सही सवाल पूछा है, अम्मी ख्याल रखें, ये बुनियाद ये है कि हम किस वक्त इसको टेकअप करें. ये अम्मी ने बहुत पहले सिखाना है, अब्बू ने बहुत पहले सिखाना है बचपन से ही कि आपको ओरल हेल्थ मेंटेन कैसे करनी है. बिल्कुल. ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे करनी है.
उसके लिए जब भी कुछ खाएं पिए छोटे बच्चों से लेके, असल जो दांत खराब होना शुरू होते हैं वो दूध के दांत से होते हैं जो ढाई पौने तीन साल की उम्र में कंप्लीट हो जाते हैं। पक्के दांत आना शुरू होते हैं 6 साल की उम्र में। ये देखा जाए तो 6 साल की उम्र में आने वाली दाढ़ें और 12 साल की उम्र में आने वाली दाढ़ें और दूध के दांत, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टीथ होते हैं। तो इन्हीं दांतों को प्रिजर्व किया जाए, इन्हीं को बचाया जाए, उसके लिए जरूरी है कि हर खाने के बाद पुली की जाए, अच्छे तरीके से रिंस किया जाए और ब्रशिंग की जाए। ब्रशिंग करें किसी भी अच्छे रेगुलर टूथपेस्ट से ब्रश किया जाए। सेंसोडाइन के अंदर ऑप्शन ये है आपके पास कि सेंसोडाइन आपको टोटल सपोर्ट भी देता है और सेंसिटिव टीथ के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आपको ठंडा गरम लग रहा है और आपको कैविटी हो चुकी है तो आपको बचाएगा सेंसोडाइन ठंडा गरम लगाने से। ये आपको टेम्पररली मास्किंग करेगा सेंसिटिविटी को। आपको जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं रुजू कर सकते तब तक ये मास्क करेगा। आप तब तक इसको एज एन इमीडिएट रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, डेली यूज के लिए भी आप इनके पास टूथपेस्ट हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज वन गुड। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि खाली अगर दांत में दर्द हो तो ही सेंसोडाइन इस्तेमाल करें, आप डेली अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन करें और इसको टेक सेंसोडाइन इस्तेमाल और सेंसोडाइन भी इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दिन में कितनी दफा हमें ब्रश करना चाहिए? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। देखिए, मिनिमम जो गाइडलाइन है एडीए की, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की, वो ये कहते हैं कि दिन में 2 दफा ब्रश करना चाहिए, सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसी आदत का शिकार हैं कि वो सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं। हर कोई, मैं भी ऐसे करती हूँ। और उनका ये कहना होता है कि चाय पीने का मजा नहीं आता। तो आप अगर आदि हैं तो ठीक है, कर लें, लेकिन बाद में जरूर करें। अच्छा। क्योंकि अनलेस यू टेक सम स्नैक, आप 12-1 बजे तक कुछ लंच करते हैं या कोई और स्नैक लेते हैं, या बच्चे स्कूल टाइम में, ब्रेक टाइम में अपना कोई लंच करते हैं, तब तक वो दांत साफ रहेंगे। और उसके बाद ड्यूरिंग द डे आप अच्छे तरीके से रिंस करें। अगर बच्चे घर पे हैं या बड़े घर पे हैं एंड दे हैव द पॉसिबिलिटी के वो अपने वॉशरूम में जाके रिंस कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं बगैर पेस्ट लगाए भी, तो दे कैन डू इट विद अ सॉफ्ट हैंड। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, ब्रश करने का सही तरीका आप फिर से बता दें। मैं बीसियों दफा बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी लोग सही नहीं ब्रश करते। देखिए, जो तरीका इस्टेब्लिश्ड है ना, डेट इज रोल, आप यस एट 45 डिग्री एंगल, तो आपने ब्रश को रखना है 45 डिग्री एंगल के ऊपर एंड रोल इट, ठीक है, एंड यू हैव टू क्लीन टुवर्ड्स द गम्स एंड यू हैव टू ब्रश। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने दांतों की सारी सर्फेसेस को कवर करना है। यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे फॉर 2 to 3 minutes एवरी टाइम। ये 2 से 3 मिनट अगर आप करेंगे और इसमें आपने फोकस ये करना है कि आप बाहर की सर्फेसेस, दांतों की ऊपरी सर्फेसेस जो कांटेक्ट में आती हैं और अंदरूनी सर्फेसेस, इन तीनों को करें। आजकल जो ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में उनमें टंग क्लीनर भी है, तो दे हैव, अगर आपने ब्रशेस, क्योंकि यहाँ जबान को साफ करने का, कोई जबान वैसे भी गंदी हो जाती है तो उसको सुबह सुबह साफ करना जरूरी है जो देखिए सेंसिटिविटी जो मेजर प्रॉब्लम है वो बड़ों में आती है। बच्चों के कंप्लेंट्स होते हैं दांत में दर्द, बड़ों की कंप्लेंट सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन, दांत में कीड़ा लगना, पेन, ये भी हैं। वहां पे वी हैव सेंसोडाइन एज अ रिप्लेसमेंट, वो उनको, उनके बहुत सारे इश्यूज को जो मे बी ट्रीट भी ना हो सके उनको मास्क करने के लिए, उनको सपोर्ट और कवर देने के लिए, खासतौर पर ओल्ड एज में सेंसोडाइन इज अ गुड रिप्लेसमेंट। ये जाके ब्लॉक कर देता है दांतों के छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो ओवर द एज वो दांतों का इनेमल घिसता है और वो खुल जाते हैं, बिल्कुल, उनको, उन चैनल्स को जाके, उन छोटे छोटे पोर्स को जाके इट फिल्स एंड ब्लॉक्स द सेंसिटिविटी, ठंडे गर्म को कम कर दे। अब मैं चाहूंगी कि इनको मौका दूं कि ये जीत सके। हाँ भाई, क्या सवाल पूछें? कोई मेडिकल सवाल, डेंटल से रिलेटेड कुछ आसान से सवाल बताएं जरा। क्या दांतों में कीड़ा लगने की क्या वजूहत होती है? हाँ भाई यार, माइक में बताओ ना, मेरे पास 3 तो गिफ्ट है, मैं इतने सारे छोड़ दूंगी। खाना फंस जाता है। खाना फंस जाता है और क्या? खाना तो फंस गया, फिर क्या किया तुमने? तो नहीं निकाला, वो उधर कीड़ा लग जाता है। लेते हैं अभी जो हमने बातें की उसी से इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ, हाँ। कि दिन में कम से कम कितनी दफा ब्रश करना चाहिए? 2 मरतबा।
चलो भाई ये तो हो गया तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हें तो मिल गया। ठीक है अगला सवाल डॉक्टर साहब आप अच्छे सवाल करें। दूसरा सवाल आप ये कर लीजिए कि नाश्ते से पहले ब्रश करना चाहिए या नाश्ते के बाद? अरे नाश्ते से बताओ नाश्ते के बाद गौर से नहीं सुना इन्होंने, नाश्ते से पहले या नाश्ते से बाद? सही है, शी इज राइट, शी इज राइट। ओके डॉक्टर साहब अगला सवाल, सेंसिटिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? दांतों में सेंसिटिविटी हो तो फौरी रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है? सेंसोडाइन। माइक उठा के बताओ, कोई आवाज नहीं आ रही उससे। नहीं 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 वो जो उससे उसने जवाब दिया है। माइक दो चच्ची, माइक दो जल्दी। सेंसोडाइन। बच्चों को अपने दांतों को महफूज रखने के लिए माओं को उनको क्या सिखाना चाहिए? दांत कैसे साफ करें? दांत साफ करने का कैसे साफ करें? क्या ब्रश करें? ब्रश करें, कुली करें, कुछ भी खाएं पिए। बच्चों की स्नैकिंग बहुत ज्यादा होती है, दो दफा बच्चे चिप्स बिस्किट बहुत खाते हैं, स्नैकिंग बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। उनको हर खाने पीने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ली करनी चाहिए। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अब आप कर लीजिए। अच्छा एक सवाल ये कि अब ये आप सारे तो आपने कर लिए। अच्छा ब्रश, ब्रश एक हाथ उठा के बताए। अच्छा ब्रश किस एंगल में करना चाहिए जब आप दांत? वेरी गुड। नहीं एंगल बताओ, एक एंगल का नाम लिया था डॉक्टर साहब ने। राउंड राउंड किस एंगल में, कौन सी डिग्री? 45 डिग्री। चले जी यहाँ यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी अभी तो सिर्फ ये दांतों के फवायद की बात थी, अभी पूरी बॉडी पूरी ए टू जेड आपकी ही फायदों की बात होगी, इसलिए कहीं मजा आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में जबरदस्त प्रोग्राम नदया से लेकर आई है, हंसते हंसाते मुस्कुराते सारे दर्द भगाते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक जमाना था जब भी कहा जाता था कि देसी घी जो है उसमें पके हुए खाने फलाना कर देते हैं, आपको धमाका कर देते हैं, आपकी जो सेहत है वो उसी वजह से है कि आपकी अम्मा ने आपको ताजा देसी घी निकाल निकाल के आपको पराठे बना बना के खिलाए। यकीन जानेंगे आप, जब मेरा बेटा फरीद जो सबसे बड़ा है वो छोटा था तो मुझे एक बड़ी, मेरे पास एक बेबी सिटर थी जो सराय की थी कुंदन, वो घर में देसी घी बनाया करती थी, दही से लेकर और माइक्रोवेव में रख के ना कोई देसी तरीके से वो बनाया करती थी। और मेरे बेटे को वो माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज, अंडा फ्राई हो तो पराठे हो तो आलू मैश करके देसी घी में मिलाकर उसे खिलाया करती थी। और आज मैं रिजल्ट देखती हूँ कि उसकी हाइट बिल्ट इतनी अच्छी है। अक्सर बीच में ये एक आ गया था देसी घी, नहीं नहीं उसकी तो स्मेल ऐसी होती है, उसे तुम खा के मोटे हो जाते हैं, वो जम जाता है जाके कोलेस्ट्रॉल फलाना ढमाका, इतना कुछ सुनने को आया था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा प्रोग्राम दिखाऊं जिसकी वजह से आपकी अगर कमर में दर्द है, आपके वो दर्द हो रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतनी हट्टी कट्टी और आपके ये दर्द होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको फ्रोजन शोल्डर का की प्रॉब्लम है, जलने के निशान पड़ गए हैं, पुराना जख्म है, जिस्मानी कमजोरी है, पतली पतली सी कलाइयां मेरी जैसी ऐसी सुखी सड़ी सी, हाय सुखी सड़ी, हाँ, और वो ताकत नहीं है जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए अपने काम अंजाम कर देने के लिए, सर में खुश्की भरी हुई है, खांसी ऐसी है जो जाती ही नहीं है, मतलब इरिटेट कर दिया पूरे खानदान को खांसी ने, चेहरे और जिस्म पे अजीब वो जो नहीं थे ब्राउन तिल 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 तिल, उसके मोखे वो जो मस्से टाइप होते हैं उसके निशान हैं, वो मोखे हैं, और कमर के मोरे जो हैं वो हिल गए हैं या कमर में तकलीफ रहती है, बे औलादी का खात्मा करना चाहते हैं आप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इलाज सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है और वो है देसी घी। और उस देसी घी को लेकर आज मैं प्रोग्राम करने वाली हूँ जिसके अंदर विटामिन ए डी ई और सबसे ज्यादा विटामिन K2 पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये चीजें हमें जाननी चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी, क्योंकि आजकल हेल्थ का जमाना है, जान है तो जहान है, वरना क्या फायदा, पैसे कमा रहे हैं मेहनतें कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर फाइबर इतना ज्यादा मौजूद होता है कि जो
बैक्टीरिया को आंतों के अंदर टिकने नहीं देता, उसको फॉरेन टॉक्सिन जो होते हैं उसको खारिज करता है बॉडी से, तो एक तरह से आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है ये देसी घी, जिसको पता नहीं वो जो तेल वाले ना, तेल कुकिंग ऑयल वाले, उन्होंने कोई मुहिम चला के इसको आउट करने की कोशिश की है ना, घरों से आउट करने की कोशिश की है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घरों में दोबारा इन हो, हेल्थ की वजह से, मोटापे शुटापे की बात में नहीं करी मैं, हेल्थ की बात करी हूँ। आइए जी मैं आपकी मुलाकात आज के एक्सपर्ट से कराऊं जो आपको बताएंगे देसी घी के फवायद। मेरे साथ मौजूद है रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फरा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है हकीम शाह नजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बतूल है हमारे साथ मौजूद, और मेरे साथ है डॉक्टर मुबशरा। देसी घी के बारे में बहुत सारे मिथ बने, मैं आप सबसे मतलब लाइक कुछ सेकंड्स आप प्लीज देसी घी के ऊपर डेफिनेशन देना चाहेंगे अपने अपनी तरफ से। आपसे शुरू करें मुबशरा। मैं ये समझूंगी कि जब हड्डियों की बात आती है, लेकिन माय एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि घी का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, ये पुराने वक्तों की बात अब से चली आ रही है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल के यूजली इश्यूज होते हैं तो मना कर दिया जाता है। यूजली जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड नहीं करते, अच्छा, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। बट एट दैट टाइम जब वो आफ्टर बर्थिंग यानी बच्चा होने के बाद, यूजली जो हम यू नो लाइक ओल्डन जो पीपल हैं हमारे घर के अंदर पेरेंट्स वगैरह, वो हमेशा देसी घी के पकवान या देसी घी के जो मुरब्बे टाइप के होते हैं वो रेकमेंड करते हैं। मतलब जब मेरे बेबीज हुए तो मुझे मेरी सास ने चूरी बना के दी, वो देसी घी के अंदर नहीं चूरी होती है, बकायदा चूरी के पेड़े होते हैं पराठा, और वो देसी घी में मैंने बहुत डरते डरते खाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, सुबह खड़े होकर इधर भागना उधर भागना है, बच्चों को देखना कर, तो शायद उन्हीं दिनों में अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जैसे हड्डियों की बात करें तो उसके लेप भी काफी है, देसी घी के लेप, देसी घी के लेप हड्डियों की मजबूती के लिए, और वो खवातीन के लिए जो आफ्टर बर्थ यानी बच्चा होने के बाद जो कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, एपिड्यूरल्स लगते हैं यानी इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, और उसके बाद जो जैसे कहते हैं ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, जी 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 जी, उसका आज के और देसी घी के साथ जबरदस्त, ये तो बहुत काम की चीज है, मैं बड़ी सफी हूँ। जी रानी आप क्या कहेंगी देसी? हाँ, बात हो रही है देसी घी की। सबसे पहले हम ये बता दें कि आज का जो मौजूदा दौर है उसमें लोग घी से बहुत भागते हैं, और घी है वनस्पति घी। अच्छा, देसी घी और वनस्पति घी का फर्क सिर्फ ये है कि देसी घी कभी हमारी रगों में जमता नहीं। आजकल जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो वनस्पति घी की वजह से, और उसकी वजह ये है कि जो घी जम जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म के अंदर, दिल के अंदर जो नसें हैं उसको जाकर ब्लॉक कर देता है, और इस वजह से जो मोटे लोग हैं और जो खुदा ना खास्ता हार्ट पेशेंट हैं उन्हें मना किया जाता है सख्ती से कि वो वनस्पति घी का इस्तेमाल ना करें, या वो तेल जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो, जो चीज जम जाती है उसमें कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, देसी घी की एक खास जो बात है वो ये है कि ये गाय और दूध देने वाले जानवरों के दूध से मक्खन निकाला जाता है, और उसके बाद देसी घी, इसकी सलाहियत यह है कि ये कभी जमता नहीं है। पुराने जमाने के लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे, उनकी हाइट आप देखें, जैसे अभी आप बात कर रही थी, उनकी ताकत देखें, उनके दिलों में कभी अटैक नहीं होता था, बहुत बहुत रियर। तो हार्ट अटैक ये है जैसे अभी नजला बुखार हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, रियर सुनने में आ रही, रियर बीमारियां होती थी उनको। वो देसी घी सर में मला करते थे, हाथ पांव पर यही देसी घी गर्म करके मला करते थे। जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको, जैसे कि अभी मुबशरा ने कहा कि आफ्टर डिलीवरी जो प्रॉब्लम होती है, अगर ड्राई फ्रूट्स को आप असली घी के अंदर, देसी घी के अंदर फ्राई करके और इसको पंजीरी के साथ मिला के खाएं, तो पूरी जिंदगी, आज की जो यंग लड़की है वो बहुत कमजोर है बनिस्बत हमारे पुराने जो लोग हैं। सही कह रही हूँ, वो नौ नौ बच्चे पैदा करती थी वो, और माशाल्लाह अपने घरों के सारे तीसरे दिन बिस्तर से खड़े होकर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी, कोई मासी नहीं, कोई हेल्प नहीं होती थी, सिर्फ घर के लोग ही हेल्प करते थे, लेकिन आज हम अपाहिज हो जाते हैं अगर हमारे घर की मासी ना आए तो हमारा घर गंदा पड़ा रहता है। जी डॉक्टर बतूल, क्या कहते हैं? देसी घी और वनस्पति घी में बेसिक डिफरेंस ये है कि देसी घी में जो है वो ट्रांस फैट नहीं होते, जमने वाली चीजें, ठीक है, तो जब जमने वाली चीजें नहीं होती इसीलिए वो बोन, आपने कहा K2 बहुत अच्छा होता है, जब K2 आप खाएंगे तो K3 बॉडी में आपके खुद ब खुद बन जाता है, अच्छा, और कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है जो कि बोन मिनरलाइजेशन में होती है। देसी घी अगर आजकल आप देखें
हाँ बच्चों की हाइट अगर छोटी है, आप कह रहे हैं आपका बेटा माशाल्लाह उसकी हाइट बहुत अच्छी है, अपनी उम्र से ज्यादा मैं नहीं देख रही हूं माशाल्लाह, तो जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो बेसिकली डिपेंड ही आपकी बेसिक डाइट पे कर रहा होता है। और इसमें क्योंकि ट्रांस फैट नहीं है, ट्रांस फैट है चिकने वाली कोई चिकनाई नहीं है। अब जब जमने वाली कोई चिकनाई नहीं है वो आपके ब्लड को जो है वो प्योरीफाई करती है। ब्लड को प्योरीफाई हम समझते हैं कि सिर्फ जाकर जम जाएगा, देसी घी जमता नहीं है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। बच्चों की हेल्थ, बच्चों से लेकर बड़ों तक की सारी चीजें जो बेसिक मेंटेनेंस होती है ना, चाहे वो आपके बॉडी मसल पूरा फुल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, आई से लेकर दिमाग से लेकर आपके पैरों की हड्डियों तक के, तो इतनी इम्पोर्टेंस है। अब वापस लेकर आ रहे हैं, अब जब वेस्ट में रिसर्च हो रही है कि जिस कीटो डाइट में जो है आप दुबलापा करते हैं देसी घी से, तो हम वापस किसकी तरफ आ रहे हैं, हम अपनी ही जो मुसलमानों की रिवायत थी हम उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखे ना, है ना जी, हकीम साहब क्या कहेंगे देसी घी? आपकी एक बात बहुत अच्छी थी कि आपने कहा इसमें K2 बहुत पाया जाता है, बिल्कुल हमारी स्टडी भी यही कहती है, कैल्शियम होता है इसमें। और जिस तरीके से आमतौर पे लोग कहते हैं कि डिलीवरी के बाद माओं को देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको बगैर डिलीवरी के आप शुरू से ही स्टार्ट रखें, एक तो चाय वाला चम्मच देसी घी रोजाना दिया करें, तो आपका तो कभी भी बॉन्स माँ बनने वाली औरत के अंदर स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि देसी घी खाने वाले लोग जो कहते हैं कि वेट जो है बढ़ जाता है, घबराहट होती है, इसकी स्मेल ऐसी होती है, लेकिन थोड़े दिनों में ये यूज टू हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। अच्छा, देसी घी की बात, देसी घी से जी। डॉक्टर फरा आप क्या कहते हैं? वैसे तो आपने माशाल्लाह इतना कुछ बताया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, एक क्लैपिंग तो निधा के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आपके प्रोग्राम में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज इन्फॉर्मेटिव होती है, और आज का जो आपने टॉपिक रखा है घी, देसी घी, और मैं बीइंग अ पंजाबी फैमिली से हूँ तो हमारे यहाँ तो इसके अलावा चलता ही कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देसी घी जो है उस पंजीरी बनाई जाती है, बचपन से ही हमें खिलाया जाता है। जब जाहिर आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, आपकी हाइट अच्छी होगी, आप जब अच्छी खुराक लेते हैं, वो देसी घी हो या वो आपके कोई जंक फूड से हटके चीजें जब आप बनाते हैं, आपके स्किन सबसे बड़ा जो आपकी बॉडी का ऑर्गन है वो आपकी स्किन। आप क्या क्या बताएंगी देसी? आज जो मैं बताने जा रही हूँ इंशाल्लाह इससे आपके बाल अच्छे होंगे, इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपको जो सन टैन हो रही है, सन बर्न हो रहा है वो खत्म कैसे हो सकता है, ड्राई कफ आज आपने देखा कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है वेदर की वजह से, हम लोग इरिटेट हो रहे हैं जी, ड्राई कफ बहुत हो रही है, इलाज क्यों नहीं करा रहे, आज हम उसका इलाज बताएंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चे अपने ऊपर कुछ गिरा लेते हैं, या मदर्स हैं वो काम कर रही हैं जल जाते हैं हाथ, या कहीं पे जलन का निशान है वो खत्म करेंगे। एक्जिमा बड़ी बीमारी है, इसके साथ हम एक्जिमा का भी बताएंगे कि वो आप किस तरह उसका इलाज कर सकते हैं। आइए जी हम शुरुआत करते हैं, वापस टाइम है, हम रानी आपा से शुरुआत कर रहे हैं जी। रानी आपा देसी घी से आज रानी आपा क्या हमारी रानियों को बता पाएंगे? सबसे पहले हम तमाम बातें करेंगी बालों की, ब्यूटी की, जो रोजाना होती है हम आपको बताएंगे देसी घी से किस तरह उसे आप अपनी ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो एक बहुत ही ख़ास किस्म का मुरक्कब बनाने जा रही हूँ, एक देसी घी से जो दवा तैयार करने जा रही हूँ, वो एक ऐसा मसला है फालिज और लकवा। फालिज जो जिस्म के अगर किसी आजा पर भी हो जाए तो वो आजा बेकार हो जाता है, और लकवा चेहरे का कहलाता है कि कांपता रहता है ना जी, और टेढ़ा हो जाता है, मुंह ना आप खा सकते हैं ना पी सकते हैं, आंख से आंख टेढ़ी है, पूरा एक हिस्सा चाहे सीधे पर हो अमूमन उल्टे पर होता है वो हिस्सा टेढ़ा हो जाता है। और बिल्कुल जाहिर है कि जब जो जो हमारा चेहरा खूबसूरती की अलामत है, अगर उसी में कोई नस आ जाए, और इसका इलाज बहुत तकलीफ दे हैं, बहुत एक्सरसाइजेज हैं, दवाएं हैं, लेकिन आज के इलाज से इंशा अल्लाह ताला ये बेहतरीन इलाज है। और इससे ये क्या बनाएंगी आप? इससे मैं एक तेल बनाऊंगी जो मसाज करना होगा फालिज ज़दा एरिया पर। अच्छा। यानी हाथ है, पांव है, आपका कोई भी एक हिस्सा अगर मफलूज खुदा नखास्ता हो गया है वहां पर, और मुंह का जो फालिज है वो लकवा कहलाता है, जिसका मुंह टेढ़ा हो गया जी, 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 उसके जी, लिए हम तेल बनाएंगे। और ये एक ऐसा बेहतरीन और अमेजिंग किस्म का तेल है, क्योंकि पुराने वक्तों में यही इलाज होता है। कैसे बनेगा ये? अच्छा जी, ये तेल हम बनाएंगे नीम के तेल के साथ और असली घी के अंदर। इन तमाम चीजों को हम पहले जलाएंगे। जैसे कैसे जलाएंगे? जैसे असली घी रखेंगे, असली घी रखा चूल्हे के अंदर, जी हाँ चूल्हे पर एक कप हम देसी घी रखेंगे, और देसी घी के अंदर हम डालेंगे तुखमे पनवार। डालते रहे ना? अच्छा अच्छा हाँ। सही है, बिल्कुल प्रैक्टिकली जो आप कर रही हैं वो दिखा दें बिल्कुल लोगों को करके, ताकि समझ भी आए जी। इसमें हम तकरीबन एक कप, आपको क्योंकि ये जो हम घी से इलाज बता रहे हैं ये मसाज के लिए बता रहे हैं, मसाज के लिए होगा। ये हमने इसमें एक कप देसी घी लिया,
और देसी घी की खासियत यही है कि ये जमता नहीं है. आज मैं जितने भी इलाज बताऊंगी वो देसी घी से बताऊंगी. उसमें हम लेंगे सबसे पहले बधारा कंद. बधारा कंद. अच्छा, देसी घी को आपने एक प्याला लिया. एक प्याला हम देसी घी लेंगे. इसमें हम इसको मैं चूंकि ढक के पकाऊंगी इसलिए मैं पहले ये डाल रही हूं और ब्रेक में मैं इसको पकाऊंगी. इसमें हमने डाला बधारा कंद. ठीक है. इसमें हम डालेंगे एक दो तीन डलियां डाली, तीन तकरीबन एक एक इंच की, क्योंकि अगर हम इसका रेशो रखेंगे तो तकरीबन 10 से 15 ग्राम होगा. ठीक है, इसके ठीक है. ठीक है. और इसके अंदर हम डालेंगे गोखरू. गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो की कैंसर का भी बेहतरीन इलाज है. ये हम डालेंगे तकरीबन 15 ग्राम. तमाम चीजें 15 ग्राम और एक कप हमने इसमें देसी घी लिया. ठीक है. ये हमने डाल लिया. गोखरू भी हो गया 15 ग्राम. जी, 15 ग्राम गोखरू हो गया. हमने इसमें डाला तुखमे पनवार. जैसे पनवाड़ी की दुकान आप सुनती हैं, ऐसा तुखमे पनवार ये है हमारा फालिज और लकवे का इलाज. इसको हम लेंगे, ये तुखमे यानी बीज है. ठीक, यानी पनवार के बीज है. इसको हमने 2 टीस्पून लिया और इसमें हम डालेंगे तुखमे अरंड अब बोलते हैं बीज को, वो तो समझ आ गई. अरंड जो है एक जड़ी बूटी होती है और इसके मोटे मोटे से फूल होते हैं जिसमें से हमने ये निकाल लिया तुखमे अरंड. ये फोकस हो पा रहा है मेरे इसका अरंडी का तेल भी, जिसका लोगों को दिखाना. ठीक है, जिसका कैस्टर ऑयल बनता है अरंडी का, इसको तेल भी कहते हैं. इसमें हमने डाला तुखमे अरंड. 15 ग्राम डाल रही है. 15 ग्राम तमाम चीजें. और ये हैं नीम के पत्ते. ये तकरीबन एक मुट्ठी हम डालेंगे क्योंकि ये तमाम की तमाम चीजें जब इसके अंदर जाएंगी तो ये इस कदर जबरदस्त किस्म का ऑयल बनेगा. और इसमें हम डालेंगे सौंठ, बस एक, यानी जो सूखी हुई अदरक होती है. तो 15 ग्राम तमाम चीजों का इसमें सारी चीजें है. जी, अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी. हाँ. और इसलिए कि फिर ये तमाम चीजें जलकर उड़ती हैं. ये ब्लैक कलर की हो जाएंगी. बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी. इतनी पकाएंगे कि ब्लैक कलर की, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे. हम इसको छानेंगे और वो तेल हम अपने पास रखेंगे. जमेगा तो ये है ही नहीं. और जहाँ कहीं भी जिसको फालिज है, लकवा है, जब हम उसको हल्का सा गर्म करेंगे, फिर हल्के हल्का अगर चेहरे पर दिन में कितनी दफा मसाज करेंगे? एक से दो बार. सुबह में एक बार मल लिया. और देखिए जब कुछ रिजल्ट कितने दिनों में आ पाया है जो आपने देखा है? पहले दिन फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट मिलना शुरू होगा क्योंकि ये तमाम चीजें बहुत गर्म हो जाती हैं. और जब भी कोई चीज गर्म जिसकी तासीर हो जाती है वो चीजों को पिघलाना शुरू कर देती है. ये कानून है और उसके तहत ये तमाम चीजें अपनी जगहों पर आना शुरू. अच्छा, कोई मसाज करने की डायरेक्शन होगी जिसे? बिल्कुल, मैं बताऊंगी. सबसे पहले चेहरे पर तो सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है. और अगर हाथ है, पांव है, उस पर मसाज करने के बाद बांधना होगा. अच्छा. जब भी हम मसाज करेंगे नीम गरम तेल से करेंगे ताकि, क्योंकि ये हिस्सा हमारा सुन हो जाता है. अगर हमारा कहीं भी फालिश है, लकवा है, उस हिस्से की हिस खत्म हो जाती है. बिल्कुल. तो सबसे पहले तो इसकी वजह से उसमें आपको जान महसूस होगी. आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन पर कोई चीज लगाई जा रही है. अच्छा. आपके चेहरे पर, आपके होंठों पर, आपके हाथों पर, आपके पांव में जब कोई चीज महसूस होने लगती है, इसका मतलब है इसमें जान आना शुरू हो रही है. और उसके बाद हम इस पे थोड़ा जरा सख्त हाथों से मसाज करेंगे जिस्म का जो भी हिस्सा है, चेहरे पर सर्कुलर मूवमेंट से. अच्छा, ब्रेक के बाद मैं आपको मसाज जो है वो ऑन स्क्रीन करना बताऊंगी यहाँ पे कि मसाज कैसे होना चाहिए. छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं. देसी घी के ऊपर आज शो है. बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारी सेहत और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आप ले सकेंगे हमारे शो से. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक ऐसा तेल, ब्रेक पे जाने से पहले रानी आपा ने मनाया देसी घी से जो आपके फालिज ज़्यादा जिस्म को नॉर्मल करने में आपकी मदद करेगा. लकवा अगर आपको हुआ है तो लकवे में आपकी हेल्प करेगा ये तेल. जरा मुझे दिखा पाएंगी रानी आपा किस तरह का हो गया है? ये हमने बनाया है देसी घी में. ठीक है, ये एक दवा बनाई है. हाँ. और ये ब्रेक के दौरान पक गई है. मैं आपको दिखा रही हूँ इसका. मोबाइल हटा ले, मोबाइल पे ना गिर जाए. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी काला हो गया है, तेज आंच पे पकाना है हमें या हल्की आंच पे? देखिए, जो भी दवा का तरीका है कि जितनी धीमी आंच पर पकाएंगे उतना ही अच्छा. उतना इन तमाम चीजों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ताकत इसके अंदर शामिल हो जाएगी और तेज आंच पे तो एकदम भग से कुछ नहीं होगा. आप कोशिश करें कि जो भी दवा बना रही हो, कोई रेमेडी तैयार कर रही हो, हमेशा धीमी धीमी आंच पे ताकि उसका अर्क निकलता रहे, उसका एक्सट्रैक्ट निकलता रहे. ये देखिए, ये बन गया हमारा. ये इस तरह का काला होना चाहिए, इससे भी और ज्यादा?
और इससे ज्यादा काला हो जाए जितना अच्छा है, क्योंकि ये आप दवा बनाने अभी तो क्योंकि हम जल्दी है दिखाना हम आपको इसका एक तरीका भी बता देंगे ना कि क्या करना है। ये तमाम चीजें जो आपने तैयार की है, तो सिर्फ ये घी ना सिर्फ ये कि आपके लिए बहुत पावरफुल हो गया है, मैं बता रही हूँ फालिज और लकवे का इलाज, वो आजा जो आपका सुन हो गया है, जिसने काम छोड़ दिया है। हमने ये तेल निकल गया, काला तेल होगा, इसको धूप धूप में तो नहीं रखना, बस अभी ये इसको। नहीं, नहीं नहीं, ये तेल बिल्कुल हमारा तैयार है, मैं निचोड़ रही हूँ इसको, अभी तो ये खोलता हुआ है जी, इसको मतलब हम निचोड़ेंगे। हाँ। और इसके साथ ही ये बताना चाह रही हूँ कि ये तमाम चीजें जो मैंने कपड़ छन की हैं, ये बेकार नहीं है। अच्छा जी जी जी, हम जब भी अपने फालिज ज़दा हिस्से की के ऊपर मसाज करेंगे, उसके बाद इसी पोटली से उस जगह की टकोर करेंगे। हाँ। धीमी धीमी इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लें, इसको थोड़ा सा और ऑयल डाल ऊपर से रख के ऐसे जी, टकोर। जी 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 ऐसे। हाँ। ना जिस जगह आपको हाँ। महसूस होगा कि आपकी वो जगह नर्म होना शुरू हो गई है, एक्टिव होना शुरू हो गई है, दौरान खून उसमें आना शुरू हो गया है, उसका सुनपन खत्म हो गया, और अल्लाह के फजल से विद इन वीक आपका वो आजा काम करने लगेगा। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, ये तमाम वो रेमेडीज हैं जो जमाने जो कदीम जमाने से इस्तेमाल होती है। आप जो है ना ये इस्तेमाल तब करवाऊंगी जब थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म हो जाए, क्योंकि अभी इस वक्त कोलता हुआ है। जी जी, तो मैं इस वक्त नहीं किसी को जलाना चाह रही। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप नेक्स्ट रेमेडी हम आपको बता रहे हैं देसी घी से आपकी स्किन को व्हाइट, यानी कि आपका रंग जो है वो कैसे निखारे, कैसे गोरा हो। डॉक्टर बतूल आपको देसी घी से ये नुस्खा बताने वाली है, प्लीज नोट कर ले ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। जी, अच्छा, हम बना रहे हैं स्किन व्हाइटनिंग स्क्रब, ठीक है, और जो है बॉडी ग्लो स्क्रब के नाम से पूरी बॉडी भी गोरी होगी और फेस भी हो सकता है। ना सिर्फ गोरी होगी बल्कि एक यूनिटोन स्किन हो जाती है, और जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है आजकल बच्चों में, अगर आप देखें तो पेरेंट्स आकर शिकायत कर रहे होते हैं कि 5-6 साल तक के तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब गर्दन काली होनी शुरू हो गई है, अब हाथ काला होना शुरू हो जा रहा है, पैचीनेस आ गई है। तो जब आप ये यूज करेंगे, मैं रोज अपने बेटे को टोकती हूँ, बड़ा हो रहा है, मैं कहती हूँ मुंह धो मुंह धो, वो ऑब्वियसली पैदा होता तो गोरा चिट्टा यहाँ से ऊपर गया था, अब पता नहीं किसके ऊपर चला गया। तो वो जब ये यूज करेंगे, हाफ एन आवर पहले लगाना है शावर से, और हाफ एन आवर से लेकर 40 मिनट्स लगाने के बाद आपने शावर ले लेना है, तो फुल बॉडी जो है ड्राइनेस भी जो है ओवरकम हो जाती है और व्हाइटनिंग इफेक्ट भी मिलता है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून चीनी, ठीक है, 1 टीस्पून जो है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, पानी लिया है हमने इतना कि चीनी इसमें घुल जाए। अच्छा, ठीक है ठीक है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज जूस, अच्छा कोई भी जूस हो, जो भी मौसम का हो वो ले सकते हैं आप, ठीक है ठीक है। आजकल जो है वो स्ट्रॉबेरीज भी आई हैं, आप स्ट्रॉबेरीज का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें देसी घी, देसी घी, ठीक है। अभी आपने सबका एक टीस्पून लिया है बिल्कुल, और देसी का, और देसी घी आप बिल्कुल 1/3-1/4 यूज करेंगे। अच्छा, ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा नहीं लेना बिल्कुल, अपने बॉडी पे यूज करना है। और जिनको फेस पे लगाना है उनके लिए ये है कि आप कहेंगे कि चिकना हो जाएगा फेस, सारी चीजें, तो चिकना नहीं होता बिल्कुल भी, इसमें डिजोल्व हो जाएगा। और अगर किसी को एक्नी की प्रॉब्लम है तो टी ट्री ऑयल के 3-4 ड्रॉप जो है वो इसमें शामिल। अच्छा, अगरदाने बॉडी पे भी लगा सकते हैं टी ट्री ऑयल के साथ, स्क्रबिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। दालचीनी का पाउडर, चीनी पानी ऑरेंज जूस, देसी घी और जूस, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का जूस, जो भी मौसम का, विटामिन सी जी। और अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो सिंपल लेमन लेकर जो है 4-5 कतरे डाल दीजिए, और इससे आप अभी फॉरन इफेक्ट देखेंगे कि कितना अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आता है। सिर्फ आप 15-20 मिनट किसी को लगाकर फेस वॉश करा, किसी को स्क्रब ये करवाना चाहूंगी। हाँ भाई, किसको चाहिए सफेद गोरी रंगत, कौन चाहता है, आ जाओ भाग कर आ जाओ फटाफट, मुझे यहाँ पे चेयर दीजिए, एक बाल यहाँ मुझे एक चेयर, बाहर चेयर दीजिए, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, ये वाला इसमें दोबारा बता दूं, यहाँ पे आओ, ये चेयर प्लीज मुझे दे दीजिएगा, हाँ यहाँ पे रहो। इसमें पानी, पानी था थोड़ा सा, फिर इसमें दालचीनी का पाउडर था, फिर इसके अंदर चीनी डाली, फिर इसके अंदर ऑरेंज जूस डाला, फिर इसके अंदर देसी घी डाला, फिर इसके अंदर लेमन डाला, और क्या था, कोई चीज भूल गई हूँ मैं, बस टोटल टी ट्री ऑयल। तुम्हारे चेहरे पर दाने तो नहीं होते, तो इसके चेहरे पे दाने नहीं है, और उसने ग्रे मेकअप किया हुआ है बिल्कुल, तो गोरा होना चाहती है लेकिन तुम ग्रे मेकअप किए बगैर भी अब गोरी हो सकती हो इस। अच्छा, अब ये देखें ये किस तरह करेगी, लाइट मूवमेंट करनी है आपने बिल्कुल सही, ये इस तरह लग कर और लगाकर आपने छोड़ देना इसे 20 मिनट्स के लिए। अच्छा, पूरा इस तरह मूवमेंट करने के बाद, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अंदर एब्जॉर्ब होंगे। अच्छा, और 20 मिनट छोड़ देना है, फिर वॉश करना है बिल्कुल,
तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सब निकल जाते हैं, सारी चीजें खुद ब खुद। अब मैं यही कहती हूँ आपको, कोई भी टूल अपने फेस पे यूज कराने की जरूरत नहीं है जो ब्लैक हेड्स। अच्छा जरा इसको दीजिए कि ये खुद करे, तुम जिस तरह डॉक्टर साहिबा कर रही है तुम्हारी, तुम लगाओ डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ये करो अपवर्ड किस तरह लगाओ। देखो मेरी मूवमेंट देख लो आप, बहुत बहुत जेंटल होना होता है आपको फेस पे, फेस की स्किन बहुत नाजुक होती है, मसल भी बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए वक्त से पहले झुर्रियां पड़वा लेते हैं। ये तुम बॉडी पे भी कर सकती हो, देखो तुम्हारे हाथ, देखो सीधे करो हाथ, ये तुम्हारे नकल्स काले हुए हैं सारे, ये तुम इन पे भी कर सकते हो, इससे भी तुम्हारे फर्क पड़ेगा, हाथों की तुम्हारी जो है ना वो रंगत में बेहतर फर्क पड़ेगा। ये हाथों पे करें या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फुल बॉडी का। तुम अपने हाथ से लगाओ, जरा अपने हाथ पे अच्छी तरीके से मलो, जरा एक हाथ पे पूरा लगा के दिखाओ अच्छी तरीके से, ये जो है नकल्स तुम्हारे काले हुए हैं ये भी करो। तुम ख्याल नहीं करती बिल्कुल, पानी भी नहीं पीती है ना, पेट भी तुम्हारा खराब रहता है ये देख कर ही पता चल रहा है। हाँ ये अच्छी तरीके से मसाज, पूरे प्रोग्राम में मसाज करती हो तुम, बस ये मुझे तुम्हारे हाथ दिखाओ, लास्ट में फिर दोनों में डिफरेंस दिखाना, ठीक है? और इस गाल पे भी करो ना, ये यहाँ पीछे रखा है ये तुम करती रहो। मैं खुद इसको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चियां जो है वो घरों पे खुद करती हैं, तो इसलिए वो मूवमेंट हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आप खुद घर पे कर सके। जी डॉक्टर मुबशरा आप क्या बताएंगी देसी घी से? मैं ये बता रही हूँ कि घुटनों को नकल्स के ऊपर करो। हाँ घुटनों के दर्द से किस तरीके से शदीद, ये तो किस किस को घुटने का दर्द होता है भाई, मुझे भी सजदे में जाना होता है तो बिल्कुल ऐसे कड़कड़ आवाजें आती हैं। अच्छा घुटनों के दर्द और कमर के दर्द, ठीक है? तो बहुत आसान सी लेप ये मैं बनाना बता रही हूँ। हमने घुटनों का दर्द और कमर का दर्द नोट करें, बड़े इम्पोर्टेंट ये दर्द है, गौर से सुनिएगा प्लीज, ठीक है? अच्छा इसमें हमने आधा चम्मच घी लिया। अच्छा आपने देसी घी लिया आधा चम्मच घुटने और कमर के दर्द के लिए, और इसके साथ हमने सिनेमन, दालचीनी का पाउडर, बड़ा जोड़ है दालचीनी और बिल्कुल क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाँ। और ये आपके जैसे हम लेप देते हैं तो इसको वार्म अप करता है। अच्छा सो ये हमने आपने चुटकी भर ली है, चुटकी भर ली है और इसके साथ ये हमने ये क्या है खाने का चूना लिया। अच्छा, है खाने का चूना भी लिया जी, और ये कितना लिया? ये तकरीबन थोड़ा सा है, तकरीबन 1/3 चम्मच बिल्कुल सही है, और तीसरा हिस्सा चम्मच का, और इसके साथ हमने शहद ठीक है, हाफ टी स्पून हमने शहद ले लिया, हाफ टी स्पून शहद जी आपने लिया है। इसमें देसी घी तकरीबन एक चम्मच था, आधा चम्मच देसी घी, फिर उसके बाद इन्होंने लिया इसमें सिनेमन यानी दालचीनी पाउडर तकरीबन चुटकी बिल्कुल, फिर इन्होंने इसमें लिया है खाने का चूना तीसरा हिस्सा चम्मच का, फिर इन्होंने इसमें शहद लिया है, ये देखें थोड़ा सा कैमरे में नजर आ रहा, शकील भाई आ जाए मेरी मैं कहाँ जाओ मतलब ये देखिए ये मिक्स होके कुछ इस तरह बन जाएगा। इसमें डाला है हमने शहद, खाने का चूना, दालचीनी, देसी घी, ये चार चीजें तो मुझे याद हो गई हैं, और कोई चीज डाली? बस ये चार चीजें ही डाली थी, और हमने शहद डाला, शहद तो गिन लिया ना मैंने, शहद, खाने का चूना, दालचीनी, देसी घी ये चार चीजें, ठीक है? अच्छा इसको जब हम लेप लगाएंगे इसके बाद हमने इसको कवर करना है, इसे जो नी बैंडेज मिलती है उससे आप कवर अप कर लें, ठीक है? ये तकरीबन 1 मंथ तक करते हैं। घुटने में किसको दर्द है? घुटने में तुम्हें दर्द है? आपको भी दर्द था ना, आए जरा आपको घुटना के हम दिखा सकते हैं? हाँ हम हाथ पे दिखा सकते हैं, हाथ पे दिखा सकते हैं कहाँ, हम कोहनी पे दिखाएं, कोहनी पे दिखा दें, एल्बो जो जिन लोगों के जॉइंट्स में दर्द है, हाथों में, यहाँ कलाई में दर्द है, कलाई में किसके दर्द है? गाउट ना टीवी पे दिखाऊंगी तो मुझे गालियां पड़ेंगी। हाँ नहीं गाउट का भी होता है, काफी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ावा रहता है तो हड्डियों में बहुत ज्यादा जॉइंट्स में दर्द होता है। आप समझिए आपका घुटना बिल्कुल, हम आपको हाथ की कलाई पर ये या कोहनी पे मसाज करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये वो मरहम है जो आप अपने घुटने के दर्द, अपने कमर के दर्द के लिए घर में बनवा के या बना के लगा सकते हैं। इसके अंदर आधा चम्मच देसी घी था, एक चुटकी दालचीनी पाउडर था, फिर उसके बाद इसमें शहद डाला है आधा चम्मच, फिर इसमें खाने वाला चूना था तीसरा हिस्सा एक चम्मच छोटे चम्मच का,
ये चार चीजें इसमें डली हैं और ये बरम बना बन गया है। अपनी अपनी कलाई लाओ, कलाई इस तरफ खड़ी हो बहन, तेरे घुटने में नहीं दिखाओ स्क्रीन पे, इसलिए घुटनों पे ऐसे लगाना जैसे ये लगा के दिखाएंगे, समझो कलाई है, समझो ये तुम्हारा घुटना है, ठीक है? ठीक है, हाँ। ये इस तरीके से लेप आ जाएगी और फिर अच्छी तरीके से थोपना है इस तरह, जी बिल्कुल, और फिर इसको कवर अप करना है, यानी कपड़े पट्टी से मैं बता देती हूँ, कवर अप करना है। ये कह रही है ना जहाँ गाउट का दर्द होता है, गाउट का दर्द तो होता वही है, जॉइंट्स जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वो यूरिक एसिड की वजह से आप कह रहे हैं, हाँ हो सकता है बिल्कुल। इस तरीके से मसाज करती रहो, पूरे प्रोग्राम में तुम्हारा टास्क है मसाज करो, ये आज इधर तुम्हारे कुछ कालक है नहीं, सारी कालक इधर है, मेहनत कर, बड़े गर्म हसद न कर। इसके साथ एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि यूजुअली हम जो जैसे हमारी क्लिनिक्स पे काफी लोग आते हैं तो इंस्टेंट उनको रिलीफ चाहिए होता है फौरन, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, एक, एक, वो, आप जो दूसरी चीज बताइए उससे पहले इसके बारे में सवाल है, कितनी देर तक इसको लेप के रखना है? ये तकरीबन 1 से 2 घंटे रखने हैं, दोबारा से आपने ये पट्टी खोलनी है। अच्छा ठीक, 2 घंटे बाद और फिर दोबारा से इसी के ऊपर लेप और आगे तक आपने इसको फैला देना है। अच्छा, यानी ये करते रहना है तकरीबन दिन में 2 दफा, 1-2 घंटे लेप लगा हो उसके बाद दोबारा पट्टी उतारे, फिर दोबारा से इसको मसाज कर, फिर दोबारा लगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बांध देना है। बांधे कितनी देर तक? तकरीबन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, या इवन नीस जिनको प्रॉब्लम होता है वो ओवरनाइट भी लगा के सो सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और इसके साथ शहतूत जो है वो देसी घी में ओवरनाइट अगर आप भिगो के रख दें या अगर इसी तरीके से खा लें तो ये एज अ मेडिसिन कहा जाता है। शहतूत सूखे हुए शहतूत या नॉर्मल? सूखे हुए हैं, ये ड्राई हैं, तो इसको अगर आपने शहद घी में और थोड़ा सा शहद ये ओवरनाइट अगर आप इसको सोकअप करके रख दें और सुबह तकरीबन आधा टीस्पून आपने अच्छे खासे इसमें आ जाएंगे तकरीबन 3 से 4, तो ये आपकी दवाई हो जाएगी एज ए मेडिसिन फॉर द बोन्स। मतलब ये लेप लगा ले और ये दवाई के तो आप हाथ लगाएं कितना गर्म हुआ वैसा। हाँ, अल्लाह करे कि यही वाला लेप आप बना के अपने घुटने पे लगाएगा। याद हो गया आपको क्या क्या डाला इसमें? कहा है मेरा माइक, मुझे भाग के माइक दो फटाफट, में जरा पूछूं, आज इम्तिहान भी होगा जी। क्या क्या था इसके अंदर? लेगी, हाँ, शहद, हाँ, चूना, हाँ, दालचीनी का पाउडर। क्या बात है, पप्पी करनी चाहिए तुम्हें तो है भाई, जबरदस्त। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बैठ, मैं कह रही हूँ सिटे बैठे के कह रही हूँ सिटे, मतलब इतना कुछ जब बताना होता है ना तो बहुत सारी चीजें लोगों को बताना होता है तो उसके लिए कभी कभी दिमाग से कुछ और स्लिप आउट हो जाता है। जी हकीम साहब, आप क्या बता रहे हैं देसी घी के हवाले से? देखिए, मैं देसी घी के हवाले से कोलेस्ट्रॉल कम करने का और प्लस वजन कम करने का बताऊंगा। वो वजन कम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक देसी घी से वजन कम हो सकता है? बिल्कुल, देसी घी से वजन कम हो सकता है और आज मैं यहाँ दावा कर रहा हूँ कि हर हफ्ते 1 किलो वजन कम होगा। नहीं कहें डॉक्टर मुबशरा, कल आपने मेरे ये लगाए इससे तो 4 kg हो जाएगा, 1 किलो इनसे सुने मैं तो नजर ही नहीं आऊंगा। हाँ। एक हफ्ता मतलब हर हफ्ते वजन कम करें और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा आपको साथ देना ये होगा कि वॉक करना होगा, 1 मिनट में 62 कदम के हिसाब से आधे घंटे की वॉक करें। दिन में 4 बार खाना खाते हैं, 4 बार खाएं लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं। अच्छा, पेट भर के ना खाएं। हाँ। और जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है तो ये एक बूटी आती है अभी कोलेस्ट्रॉल का बता रहे हैं या वजन कम करने का? ये कोलेस्ट्रॉल का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल का सीख रहे हैं देसी घी से। जी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए ये अर्जुन की छाल है, इसका 1 इंच का टुकड़ा। जी अच्छा, अर्जुन की छाल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है प्लीज वो गौर से देखिए देसी घी से कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो सकता है। अर्जुन, जी अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा, इसे 1.25 कप पानी में डाल के हमने 1 जोश देना, ठीक है, 1 जोश दे के इसको उतार देना और उसमें आधा चाय वाला चम्मच देसी घी मिक्स करके 1 टाइम रोजाना पीना है और लगातार ये 2 महीने पीना है। आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, आपका इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा और ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में आ जाएगा इसमें। आपने कहा कि ये अर्जुन पत्ती की जगह हम पानी के अंदर, जी
बोलने तो दो। हाँ, पत्ती की जगह हम पानी के अंदर अर्जुन की छाल जी जिस तरीके से अभी मैंने डाल दी, जब पानी उबलने लगे तो उबल उसके बाद तो उस पानी उतार लें और छान लें। अच्छा, छानने के बाद उसमें आधी चाय वाली चम्मच देसी घी मिक्स करके, ठीक है, ये आपका कहवा बना। ओके, एक टाइम रोजाना आपने पीना है, किसी भी टाइम, इसकी शर्त नहीं है कि नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद, कोई शर्त नहीं है, ठीक है, किसी भी टाइम आप इस्तेमाल करें, अपनी मेडिकेशन जारी रखें। अपनी मेडिकेशन में रद्दो बदल सिर्फ अपने कंसल्टेंट के मशवरे से करें, अपने तौर पे ना करें। अरे वो ब्रेक आ गई, हमें तो जल्दी से वजन कम करने का बताना था, क्या करें? किस तरीके से ब्रेक के बाद आ जाए? ब्रेक के बाद जो नाजरीन अभी बैठे हुए हैं ये सुनने के लिए, जानने के लिए, डिप्रेशन का शिकार है, मुझे फोन करते हैं मैं क्या करूं, निदा तुमने वजन कैसे कम किया, मैं क्या करूं, मेरा इतना वजन है कैसे कम करूं, तो मेरे इस प्रोग्राम के सामने बैठो, मैं अभी ब्रेक के बाद आके तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोगों ने अपना वजन कैसे कम कर, हर हफ्ते में 1 किलो कम करोगे हेल्दी तरीके से देसी घी के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देसी है, आप देसी घी खाती हैं? मैं बिल्कुल देसी घी खाती हूँ, मेरी अम्मी रोटी जो गर्म पकाती हैं तवे से उतरती है और मैं उसमें देसी घी चपेड़ कर खाती हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि आपको देसी घी से बताएंगे वेट कैसे कम किया जा सके। साथ साथ यहाँ एक बच्ची बैठी जिसके अब्बू को फालिज का प्रॉब्लम है और उसको ये सिखाने के लिए कि वो अपने अब्बू की मसाज मालिश इस तेल से जो हमने लकवे और फालिज को खत्म करने के लिए बनाया है कैसे करे, तो यहाँ आओ तो मेरी तुम्हें मसाज करके बताएंगे ताकि तुम अपने अब्बू को उसी तरह मसाज करो। रानी आपा यहाँ मसाज शुरू कर रही है, हमें बताती भी रहेंगी और मैं जा रही हूँ हकीम साहब के पास। हकीम साहब ने बता दिया है कि वेट कैसे कम होना है, बताना है अभी, तो जाहिर है आप बैठे प्लीज बैठिए। हाँ रानी आपा, आप मसाज करेंगे, हम लेते रहेंगे, वो किस तरह करेंगे आप अपने बोली शुरू करें भाई जी। जिस तरह पहले मैंने स्टार्ट में कहा था कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, ये हमने अर्जुन की छाल डाली है, अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के अब ये बन चुका है, ठीक है, इसे आपने उतारा, इसमें उतारा और आपने इसमें क्या मिलाया और पी लिया फिर लोगों ने जी? अभी ये आधा चम्मच देसी घी मिला के ये कोलेस्ट्रॉल के लिए पी लिया जी। हाँ, अब वजन कैसे कम होगा? देखें, जिनका वजन कम करना हो, हाँ, पेट हो, हिप्स हो, थाइस हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, ये सब कम करेगी। कैसे करेंगे? हर हफ्ते 1 किलो वजन कम होगा। कैसे? इसमें सिर्फ मुझे जल्दी है ना, कैसे? एक चाय वाला चम्मच देसी घी का 1 कप गर्म पानी के अंदर मिला के एक टाइम रोजाना पिए। नहीं समझ आई, मुझे दोबारा से बताएं। 1 कप गर्म पानी, हाँ, उसमें 1 चाय वाला चम्मच देसी घी का मिक्स करके एक टाइम रोजाना पीना है, ये सुबह निहार में। ओके, ठीक है। और ये 3 जड़ी बूटियां हैं, ये मैं पीस के भी दिखा रहा हूँ, साबुत भी दिखा रहा हूँ। ये कलौंजी है, ये इसका पाउडर है, सही। इसका वजन लेना है 50 ग्राम। ये क्या है? यानी एक छटांग, ये कलौंजी का पाउडर है, ये कलौंजी साबुत है, ये इसका पाउडर है। इसका वजन लेना है, मसालों वाली उसमें डाल के पीस, उसमें मसालों वाली में डाल के पीस लिया या किसी ग्राइंडर में पीस लें या जिस पंसारी से लेंगे आप उससे पिसवा लें, पिसवा लें। ये अजवाइन आप खाते हैं? आपने बताया 50 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है। ये अजवाइन के पत्ते हैं, ठीक है, अजवाइन के बीज होते हैं। जरा दिखा दें क्लोज, अजवाइन के पत्ते, और ये आप बड़ा अच्छा काम करके लाए, ये इसका पाउडर है, बिल्कुल कमाल हो गया। ये अजवाइन के पत्ते, ये इसका पाउडर, इसका वजन भी लेना है 50 ग्राम। डन हो गया। ओके, अजवाइन भी आ गया। हाँ, ये जीरा है, काला जीरा। काला या सफेद? काला जीरा है, काला जीरा। अच्छा, ये पुलाव जीरा कहलाता है, ठीक है, काला जीरा। ये इसका पाउडर है, हाँ, इसका वजन भी है 50 ग्राम। हाँ, 3 चीजें हैं, कलौंजी, अजवाइन के पत्ते और काला जीरा। हाँ, ये 50-50 ग्राम लेके इनको मिलाकर आप एक मशीन में पीस लें या अलग अलग पिसवा लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मिक्स करके आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, ठीक है, सादा पानी के साथ, सादे पानी के साथ। और वो निहार मुंह जो देसी घी पीना था वो अलग है। एक टाइम रोजाना 1 कप गर्म पानी में 1 छोटा चाय वाला चम्मच देसी घी का गर्म पानी में मिक्स करके एक टाइम रोजाना पिए, और ये सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ लेना है। आप देखिएगा एक हफ्ते में कितना कपड़े लूज होते हैं आपके और इसके बाद आप किस तरीके से कम करते जाते हैं। लेकिन आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त कोशिश करें कम खाएं, ठीक है, और वॉक लाजमी करें और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं होंगी हमारे साथ। किसको चाहिए? हमारा प्याला हमें वापस कर देना। हाँ, किसको चाहिए? कौन है मटको? हाँ भाई, बहुत, अरे इसको दे देते हैं।
गोलू गोलू इतनी क्यूटू क्यूटू है और प्यारी हो जाएगी, है ना। अच्छा अच्छा, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने पहले तेल से कैसे मसाज की वो हमने दिखा दिया, और ये पोटली जो थी जिसमें सारी चीजें थी वो आपने फिर उनके ऊपर इसकी टकोर की, है ना जी। ये और ये नीम गरम है, इनको महसूस हो रहा होगा। हाँ। और ये जाहिर है अपने वालिद का करती होंगी मसाज। हाँ। और ये पोटली आप तेल गरम करेंगी और उसमें डिप करेंगी, इसको गरम रखनी है इतनी कि आपके वालिद को महसूस हो। अच्छा। और उनको कहें कि वो जाहिर है हाथ नहीं दबा सकते। हाँ। वो अपना आप ये पोटली अपने हाथ से फिर उनका हाथ दबाएंगे, उनके ऐसे हाथ में रखें ताकि उनको महसूस हाथ पे उनके मसाज पूरे बाजू पे होगा ना, एक साइड पर जी। तो ये ऐसे करके ना इसको दबाएंगे पूरी साइड पे, जहाँ जहाँ इनको फालिज हुआ इनके फादर जी को, जी वहाँ 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 मसाज करेंगे। और जो खास इफेक्टेड हिस्सा है जिससे कि उनको महसूस होगा कि जान आना शुरू होगी, वो ये है, ये आपका पाम है ना, इससे इनको महसूस होगा। फिर आप यहाँ रखिएगा और ऐसे कर करके ना अपने हाथ से यूं पकड़िएगा ताकि आपके वालिद को प्रेशर महसूस हो। और देखिए मैंने इसको बारीक नहीं किया, और ये अक्सर आपको तो उससे उनको पता चले कहीं चुभेगा, नहीं मेरे ये यहाँ चुभ रहा है, वो आपसे कहेंगे इसका मतलब कहेंगे अच्छा नहीं कर सकता। कभी वो गर्म होगा कहेंगे नहीं बेटा गर्म हो रहा है, इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपको कामयाब कर दिया। और जब आप ये कर देंगे और जब ये सीधे हिस्से पर आप करेंगे इस पे, अब बहुत अच्छी तरह पूरा किया और घुटने पे करने के बाद घुटने के नीचे करके अपने अब्बू को एक्सरसाइज कराएंगी, तो यूं आप पकड़ेंगी थोड़ी देर, फिर अवता वक्त के आपके वालिद कहे बेटा मेरे पैर दुख रहा है, बेटा मुझे गर्म लग रहा है, उस दिन आपकी हाँ कामयाब है ना जी। इंशाल्लाह जी पूरे आप आ गई मैं आपके पास डॉक्टर फरहा के पास जी। फरा जी आप क्या बता रही हैं? मैं बता रही हूँ कि आपकी स्किन और जलने के निशान, जलने के निशान भी बता रही हूँ। सर मैंने खवातीन के बेचारी जो किचन में रेगुलरली काम कर रही होती है पूरे खानदान के लिए, रोटियाँ सालन खाने बना रही होती हैं, उनके मैंने जलने के हाथ पे निशान, मतलब हाथ के ऊपर निशान होते हैं अक्सर ना, बिल्कुल जलने और भी बॉडी पे निशान हो जाते हैं। बर्तन धोते हैं जैसे लेडीज बहुत ज्यादा, उनकी आपने देखे कि उंगलियों के अंदर यहाँ से कट्स लग जाते हैं, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोग जो बहुत ज्यादा बंद शूज पहनते हैं और सारा दिन खड़े रहने का काम है, उनकी भी उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में ये प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत आसान रेमेडी जो आप करें आराम से घर में बना के रख सकते हैं, उसमें खराब होने वाली कोई चीज नहीं है निदा, आप 15 दिन का भी बना के रख सकते हैं। हमने सबसे पहले लिया मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, 2 से 3 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे, इसमें हम दालचीनी पाउडर ले लेंगे 1/4 हिस्सा, लाइक छोटा चम्मच अगर आप लेंगे तो इतना आप लेंगे दालचीनी पाउडर, ओके, ये हम इसमें मिला लेंगे। लुबान आपके घर में मौजूद होता है, अगर नहीं है तो आज से आप रखना शुरू कर दें, लुबान आपके एक्जिमा तक को खत्म कर देता है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो। लुबान हम लेंगे ये भी 1/4 हिस्सा छोटी चम्मच का। इसी तरह होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं कैलेंडुला के नाम से, कैलेंडुला जी, ये आप 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं, ये अगर हम ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो हम 200 पोटेंसी लेंगे, और अगर आपने इसको पीना है तो आप 30 पोटेंसी के लेंगे, 4 टाइम दिन में ले सकते हैं पीने के लिए। अच्छा इसमें हम ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स जी, बिल्कुल ठीक है। क्या दोबारा बताएं दवाई का नाम क्या बताया? कैलेंडुला होम्योपैथिक ड्रॉप्स है कैलेंडुला जी। ये आपकी स्किन जलने के अगर निशानात हैं, कोई भी ऐसा मसला है तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जलने के हैं या जख्म है बहुत पुराने हो गए हैं नहीं जा रहे हैं, अच्छा कोशिश ये करनी है कि अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो प्लीज, अगर आप चेहरे पे लगा रहे हैं चेहरे के निशानात पे, तो लुबान और दालचीनी को बहुत कम क्वांटिटी में करना है आपने, क्योंकि ये इरिटेट करता है थोड़ा स्किन को, फेस की स्किन आपकी। पहले कोशिश करें कि आप अपने हाथों या पैरों या किसी ना किसी चीज पे कर ले, इस तरह ये क्रीमी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आपने, मैं एक दफा रिपीट कर लूँ जो अज्जा इसमें शामिल किए हैं, उसमें शामिल है जनाब आपने हमने मिलाया मुल्तानी मिट्टी से शुरू किया है जी, 2 से 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी हमने मिलाई है, टेबल स्पून मिलाया है, ठीक है। हमने इसमें मिलाया है दालचीनी पाउडर बहुत थोड़ा सा, 1/4 हिस्सा, अगर चेहरे के लिए लगा रहे हैं तो सिर्फ आपने 1 चुटकी मिलाना है। इसी तरह हम लेंगे लुबान, अगर चेहरे पे कोई जख्म है तो आप 1 चुटकी लेंगे, और अगर आप हाथों पैरों के लिए लगा रहे हैं तो आप इसमें 1/4 हिस्सा यानी 5 से 6 चुटकी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमने होम्योपैथिक ड्रॉप्स लिए हैं कैलेंडुला के नाम से, 10 ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे, और इसमें हम मिलाएंगे देसी घी। अच्छा, ये अच्छा से मिक्स कर लेंगे जी, देसी घी, जिसकी वजह से क्रीमी टेक्सचर बनेगा और आप मसाज कर पाएंगे। ड्राई स्किन शक्ल बना बना के मैं देख जा रही, मैं थक गई हूँ, आपकी स्किन क्योंकि ड्राई हो जाती है। हाँ ओके,
ड्राइनेस की वजह से भी आपके हाथों में बहुत ज्यादा आपने देखा कि लाइनिंग हो रही है और डिहाइड्रेशन हो रही है, तो देसी घी आपकी उस चीज को भी पूरा करेगा। इस तरह ये अब असल में बनेगा क्रीमी फॉर्म, जो कि आपको आराम से मसाज करने में ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक आपने इस तरह मिक्स कर लिया, ये बन गया। हाँ, शकील भाई कोई भी हो जख्म आप इस तरह लगा लेंगे। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे किसी के जले का निशान है हाथ पे तुम्हारे? आ जाओ भाग के आ जाओ, तुम्हारा जले का निशान जो है हम दूर भगाते हैं। लाइए जरा ये दीजिए कांगे जी, आपका मिक्सचर। अब ये आप मुझे बताएं कि कैसे लगेगा इनके, क्योंकि इनके जले का निशान है। इधर आओ, उधर इधर आओ, उधर। एक कुर्सी और चाहिए होगी, मेरी मेहमान आई है। हाँ, आप फ्री हो गई ना, आपकी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। चलें जी, आ जाए यहाँ पे। हाँ, अच्छा कहाँ है तुम्हारे जले का निशान? अच्छा कैसे जला? माइक कहाँ है? इंटरव्यू तो लो, किसी ने जलाया तो नहीं, सास ने कुछ फेंका तो नहीं? नहीं, स्टार प्लास्टर हो जाए। अच्छा एक सेकेंड, चलो अब दिखाओ। कैमरामैन सही एंगल बनाइए जरा, ताकि नजर आ जाए। अच्छा ये कहाँ, ये पड़ा है? ये भी है, ये पूरा निशान है। और कितना अरसा हो गया? एक साल हो गया। डॉक्टर आप इधर ही आ जाए, एक साल हो गया। क्या क्या हुआ था तुम्हारा? तेल की छींटा, तेल की छींटा आई थी खाना पकाने। अच्छा, और एक साल बाद भी ना निशान गया नहीं है, ऐसे हो गया। हाँ, आपने इसको डेली लगाना है, 15 से 20 मिनट के लिए आप लगाएंगी। दिखाओ मुझे, दे दीजिए। आप दिखाएं जहाँ पे आपका निशान है, वहाँ पे आप कैसे लगा जी, इस तरह पेस्ट लगा लेंगे। लगा अच्छा। के 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे इसको। अच्छा, इनको मसाज नहीं करना, बस नहीं, बस लगा के आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये स्किन में इसके जो ऑयल है, जो हमारा देसी घी है, वो स्किन में पेनिट्रेट भी होगा, ड्राइनेस जो हो रही है उसको भी खत्म करेगा, और साथ ही साथ जो हमने मेडिसिन यूज की है वो इसकी जो निशानात है उसको इंशाल्लाह खत्म करेगा। अच्छा, और कितने दिन में आपको लगता है चला जाएगा डॉक्टर? मेरे आपको आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते, यानी 3 से 4 दिन में आपको अपना जो निशान है वो हल्का होता हुआ महसूस हो जाएगा। तो आपने लाजमी 15 से 20 दिन करना है कंटिन्यू। अच्छा, किसी के बर्थ मार्क भी होते हैं क्या, उनको भी लाइट करेगा कि नहीं? अच्छा, बर्थ मार्क को कर सकता है। हाँ, काफी हद तक करता है ये। अच्छा, दिया था मैंने तो उनको काफी हद तक फर्क आया था, आप कर सकते हैं, वो भी करेगा। किसी के पैदाइशी निशानात होते हैं बॉडी पर, तो वो हो सकता है कि वो भी कम हो सकता है, लेकिन जो बर्थ मार्क है उस पर जरा हम ज्यादा वो नहीं बोल सकते, क्योंकि जाहिर है वो उसके लिए फिर आप वही जो हमारे क्लिनिक में आते हैं जो लेजर ट्रीटमेंट है उस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके जलने के लिए जख्म है, बहुत पुराने जख्म है, या आपकी यहाँ से उंगलियां जो है अंदर से गल रही है, कट्स पड़ गए हैं पैरों में, या एड़ियां अगर आपकी बहुत ज्यादा फट रही है, तो ये उसको भी क्योर करेगा, उसको भी सेट करेगा। कुछ मर्दों के कुछ शूज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पैरों पे पीछे जख्म पड़ जाता है, और खवातीन को पड़ जाता है हील्स वगैरह पहनने से, बिल्कुल पड़ जाता है, और उसको जो दर्द होता है ऊंचे ऊंचे हील पहनने से, और सारा दिन खड़े रहना या सारा दिन वॉक, वो लोग जो वॉक नहीं करते खड़े हैं, उनका काम ऐसा है, उनकी एड़ियों में ज्यादातर फट जाती है और तकलीफ होती है, तो ये वो दर्द भी खींच लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू मैम। जी रानी आपा, मैं आपके पास आई। जी कहिए। देसी घी के हवाले से एक बात और बता दूं कि बात जब जलेबी के निशान की हुई है, वो लोग, वो बच्चे, खुदा ना खासा वो खवातीन अगर जल गई हैं और जलने के बाद चर्बी इकट्ठी हो गई। अच्छा है, तो उसके लिए वो अपना इलाज जरूर जारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही घरेलू रेमेडी बताऊंगी कि देसी घी जो गाय का हो, अच्छा उसको गाय का हो, और वो प्योर देसी पतला होता है, उसको हल्का सा गर्म करें और मलमल के कपड़े के साथ उस जगह पर डेली दिन में 2 से 3 बार, अगर जिसकी चर्बी आ गई है, बहुत सीवियर जल गया, स्किन सुकड़ गई है, उसकी टकोर करें, तो अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि वो जला हुआ और चर्बी का, अक्सर बच्चों की स्त्री से जल जाती है, स्त्री पे हाथ लग गया यहाँ से पूरी चर्बी है ना, उन्होंने कहते हैं कि नहीं ये चिकना है, इसको नहीं लगाओ, इसको तकलीफ होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह के फजल से लगाकर जरूर देखिएगा। देसी घी को गरम करके, नीम गरम, कि आप सह सकें, आपका बच्चा सह सके, मलमल के कपड़े के साथ उस जगह की टकोर करें। अच्छा, अब आप और क्या बता रही हैं? अब मैं बता रही हूँ सर के बालों के लिए देसी घी का इलाज। इम्पोर्टेंट। अच्छा, सर के बालों का हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि जो कभी कभी हमारी समझ में भी नहीं आते कि हम किस तरह से आप सर के बालों के लिए क्या करेंगे, बढ़ जाए बाल, कुछ ही खत्म हो जाए? सर की जो प्रॉब्लम होती है, सर की प्रॉब्लम है, यानी कि जो खोपड़ा है, प्रॉब्लम के सर पे आपके बाल झड़ना शुरू हो गए, बालों के गोल गोल दायरे बनना शुरू हो गए, सर पे बहुत ज्यादा खुश्की हो गई कि वो आपके छोटे छोटे से पीसेस बनकर और सर पे जमा हो गई, या ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो गई कि वो कैसे बनेगी उसके लिए? उसके लिए हम बता रहे हैं, सबसे पहले असली घी लेंगे, और ये पहले तमाम चीजें जो मैं आपको बता दूं, इसको हम पीसेंगे, और किस तरह पीसेंगे कि हम लेंगे असली घी के अंदर ये
मैंने असली घी मैं भी लेती हूँ। ये तमाम चीजें जो मैं आपको, ये है मुलेठी, ये मैंने साबुत इसलिए रख ली थी कि इन तमाम चीजों को हम ग्राइंड करके पहले देसी घी में मिलाएंगे और फिर जब अच्छा साथ साथ करते जाएंगे ना, इतना याद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ले लेती हूँ। ये हमने ली है मुलेठी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी लेंगे, 8 से 10 इसकी पत्तियां होंगी हमारे पास। कुछ बड़ा प्याला चाहिए आपको? जी हाँ, मैं भी लेती हूँ। और ये बड़ा प्याला ला के दे मुझे फटाफट, मोबाइल रखे आप जल्दी से, मुझे बड़ा प्याला। ये है अलसी के बीज, ये हमने लिए 1 टेबल स्पून। और ये है कमेला बूटी, कमेला बूटी इसका कहलाती है सर की तमाम प्रॉब्लम के लिए, जिसको बहुत ज्यादा खुश्की हो गई हो उसके लिए। अच्छा खासा माशाल्लाह जॉइंट साइज, इसको हमें ग्राइंड करना है ना, तो हम इसके अंदर डालेंगे। जी जी जी, कितनी चीजें और डालेंगी इसके अंदर? डालेंगी सिर्फ दो चीजें और, दो चीजें जी। नहीं ये लेती हूँ, फिर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। जी लाइए मुझे दीजिए। अच्छा जी जी, ये लीजिए। इसमें डाली मैंने कमेला बोटी, इसमें डाले मैंने अलसी के बीज, इसमें डाली मैंने मुलेठी, और मुलेठी को पीस के रखेंगे। और इसमें डालेंगे हम कुर्तुम के बीज, कुर्तुम के बीज, कुर्तुम के बीज, ये बालों के लिए। और इनको ग्राइंड करके हम मिलाएंगे देसी घी में, ठीक है। और देसी घी का अच्छा सा मरहम की तरह एक पेस्ट बन जाएगा, क्रीम की तरह। और उसके अंदर डालेंगे माल कंगनी का तेल, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्रीम की तरह, एक तेल की तरह एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा, हम आपको ब्रेक के बाद आके दिखाते हैं कि ये सारी चीजें पीसने के बाद जब हम इसे देसी घी में मिलाएंगे और माल कंगनी मिलाएंगे तो ये मरहम कैसा होगा और किसके बालों पे लगेगा और बालों में क्या क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, ये जानने के लिए कि देसी घी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग जनाब, थोड़ी थोड़ी देर में आपको मुख्तलिफ चीजें बताई जा रही हैं देसी घी से। अभी रानी आपा बताने वाली थी आपको कि बालों को खूबसूरत, लंबा, खुश्की से पाक कैसे बनाया जाए, हेल्दी कैसे बनाया जाए, तो वो हमने चीज बनाई थी। अब एक दफा दोबारा बता देते हैं उसमें क्या क्या हमने डाले थे। इसमें डाले हैं ये तमाम चीजें, मैं सर के बालों के लिए बना रही हूँ। बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। जी अच्छा बताइए क्या। अच्छा, इसमें मैंने डाले हैं अलसी के बीज, इसमें मैंने डाले हैं कमेला बूटी, ये सब 1-1 टेबल स्पून मैंने डाला है। और इसके अंदर डाले हैं नीम के पत्ते, इसमें डाले हैं कुर्तुम के बीज, इसमें डाली पिसी हुई दालचीनी जो कि मेरे पास है 1 टेबल स्पून, और इसमें डाला है मैंने मुलेठी, ठीक है। अब इन तमाम चीजों को मैंने पीस कर यहाँ पर पाउडर बना लिया है। और इसके वैसे तो मैंने ग्राइंड कर लिया, लेकिन मैंने कहा सबको एक दफा दिखा दूं कि किस तरह करना है, ठीक है। ग्राइंड हो गया तो निकाल लें उसे? जी जी बिल्कुल हो गया, निकाल लेते हैं हम। जी अच्छा, इसको ग्राइंड करने के बाद जो पाउडर बनेगा जी, ये पाउडर उसमें हम माल कंगनी मिलाएंगे, उसमें हम मिलाएंगे सबसे पहले देसी घी 1 कप, 1 कप पूरा, 1 कप, क्योंकि ये लगाना है सर में। अच्छा, इसमें हम डालेंगे देसी घी 1 कप। और वैसे भी खाली देसी घी बहुत ही कमाल की चीज होती है, और अगर इसको नीम गरम करके लगाएं, ये देखिए 1 कप ये देसी घी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक क्रीम की तरह बनेगा, एक पेस्ट की तरह बनेगा, और इसको हम मिक्स करके अपने पास रखेंगे, ठीक है। ये तैयार हो गया, गाढ़ा गाढ़ा है, और इसको हमें इसमें हम डालेंगे माल कंगनी का तेल, माल कंगनी का तेल, माल कंगनी का तेल, ये भी वो कितना डालेगा? वो डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 कप देसी घी और 2 टेबल स्पून हमने डाले। तेल तैयार है बिल्कुल। अब इसे क्या करना है, सर पे लगा ले डायरेक्ट या सूरज वूरज में रखे? इसको बस एक बॉटल में भर के रख दे। किस तरह की बॉटल होगी? शीशे की बॉटल, हमेशा शीशे की बॉटल में भर के रख दे। अगर धूप में रखा रहे तो वेल एंड गुड, इसको उठाना नहीं है कि रात को उठाए दिन को उठाए, बस आप इसको धूप में रखें ताकि इसका अर्क इसमें निकलता रहे। ये इस तरह का पेस्ट बनेगा। अच्छा, अब ये लगेगा कैसे ये दिखाना बहुत जरूरी है। कौन लगवाना चाहेगा वो तेल जिससे आपके बाल खूबसूरत, नो खुश्की? आ जाओ तुम। और इससे वो लोग जिनके बाल कबल इस वक्त व्हाइट होना शुरू हो गए वो कंट्रोल हो जाएंगे, बाल गिरने रुक जाएंगे, बाल घने होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे, मजबूत होंगे। और वो बच्चियां जिनके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए, यानी बालों के 2 मुंह हो गए हैं, हालांकि इसके बाल अच्छे बुरे नहीं है। जी जी जी, अच्छे हैं, लेकिन आप देखें 1 मिनट, 2 मुंह हो गए बालों जी, बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम अपने बालों का ख्याल रखती हो, अच्छा प्यारा बाल है तुम्हारा, गंदा बाल नहीं है, पर नीचे से नोके निकले हुए। अच्छा, स्प्लिट एंड्स कटवाती नहीं हूँ? कटवाए थे अभी।
फिर भी हो जाती है, हो गया जी, फिर भी नहीं, खत्म अच्छा, नहीं एक होता। बात कहना चाहूंगी कि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ कि लोग ये समझते हैं कि हमारे स्प्लिट एंड्स हुए तो जाके हम कटिंग करा ले। देखिए कटिंग सिर्फ नीचे की होती है, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं कि हर बाल में होते हैं और ये सिर्फ पार्लर जाके कराएं या खुद कराएं, और इसको कराने करने का तरीका भी होता है कि एक आपने लड़ी इसको और इस तरह घर में अगर आप करें तो इस तरह करके करें, लेकिन बेहतर होगा कि किसी पार्लर जाके कराएं ताकि आपके, देखिए हमने इसको लगाना है इस तरह के बालों की हम एक एक मांग को खोल। अच्छा मतलब कि अच्छी तरीके से स्क्रब जैसे करते हैं, ये महसूस होगा इनको, नजर भी आ रही है कि ऑन स्क्रीन इसके बारे में खुश्की है, खुश्की की वजह से बालों में क्या क्या खराबी हो सकती है, अगर खुश्की होती तो क्या होता है, क्या स्टेटेंट्स होते हैं, क्या होता है? हाँ। जब खुश्की है तो आपके न्यूट्रिशन को सब ले रही है, ठीक है, ठीक है, तो आपके एंड्स पे आप बाल आगे से देखें सिल्की टेक्सचर है, हाँ। और यहाँ से मिड क्राउन से जो है वो नीचे आते आते जो है वो रफ होना शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल डैंड्रफ जो है जो नॉर्मल ऑयल आपके स्कैल्प से निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है बिल्कुल, तो वो आपके यहाँ तक के न्यूट्रिशन पहुँच ही नहीं रही है, तो सबसे पहले खुश्की खत्म करना जरूरी है। और खुश्की से मुराद सिर्फ एक खुश्की नहीं होती, खुश्की दो तरह की होती है, एक खुश्की जो ड्राई होती है झड़ती है, और एक होती है हिडन डैंड्रफ, वो आपके स्कैल्प को चिकना कर देती है, आपके बालों से एक तेल निकल रहा है जो आप अगर आज ही अपना सर वॉश करें तो शाम तक दोबारा बदबूदार होता है, चिपक जाता है, हाँ। वो हिडन डैंड्रफ जो अच्छा, आप देखिए कैसे लगा रही है ये वाला तेल जो हमने बनाया है बालों के लिए, इसको अच्छी तरीके से स्क्रब करके इसके अंदर ना, ताकि इनको अम्माएं भी हमारे सर को हिला जुला देती थी, पूरा जलजला आ जाता था, ये इससे क्या करके पिटाइयां करके, मेरी अम्मा भी सबकी अम्मा ऐसे करती है, माओं का ही खासा होता है, सही बात है, माओं का आता है, अब दिल चाहता है कि अब करे कोई, है ना। अच्छा ऐसे लगाने के बाद आपके जो दोनों हाथों के नेल्स हैं, हाँ। उसके साथ आप इचिंग जरूर करें, ये इससे खून की रवानी जी, हाँ। जी डॉक्टर बतूल आप क्या बता रही हैं जब तक ये तेल मैं बता रही हूँ, हाँ। देसी घी से बेसिकली पीसीओ के हम टेबलेट्स बना लेंगे, ओ बहुत कॉमन प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए, जिसमें रेगुलर साइकिल हो गई सारी चीजें वो सब कवर अप हो जाएंगी रेगुलर। अच्छा, और ये कौन सी एज से खा सकते हैं? 13 ईयर 12 साल छोटी बच्चियों को भी कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, इसमें सारी नेचुरल चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप पहले से यूज कराना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा एवरी मंथ आप जब लेते रहेंगे तो खुद ब खुद साइकिल रेगुलर होने लगेगी, क्योंकि जब साइकिल इरेगुलर होती है, इरेगुलर होगी तो आपको एक्नी नहीं निकलेगी, नहीं इरेगुलर की वजह से कंसीव भी करने में प्रॉब्लम होगी, ये सारी इसमें कवर अप हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि फॉलिकल्स जो है वो मेच्योर होंगे इसमें, ठीक है। अच्छा तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसमें जो है एक चम्मच हम शामिल करेंगे दालचीनी पाउडर, ठीक है, एक चम्मच हम शामिल करेंगे इसमें इलायची पाउडर, ठीक है, ठीक है, और एक चम्मच हम शामिल करेंगे मेथी दाना पाउडर, मेथी दाना, सबको मिक्स कर लिया। अब इसमें आप जो है नॉर्मल जो आप जो है वो पाउडर फॉर्म में भी अदरक ले सकते हैं, और इस फॉर्म में भी हमने कटाकर ब्लेंड कर लिया, अच्छा, एक चम्मच, एक से दो चम्मच आप पाउडर फॉर्म में, तो सॉल्ट हो गई ना, सॉल्ट हो गई, सॉल्ट के बजाय भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और जो जिनका उपास अवेलेबल नहीं है वो पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इस पे फिर हम इसको जो है वो गूंद लेंगे, समझ लें, ठीक है, एक चम्मच देसी घी, सही। अब इसको बनाकर रख दें आप शीशे, हाँ। के उसमें, तो ये आपको बार बार करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये आपने इस तरह उसको अच्छी तरह मिक्स करके बना दिया, बना दिया, और हाँ। इसको सुबह आपने निहार मुंह गरम गोलियां खुद बना ली, बन जाएंगी बिल्कुल, जैसे हम हाथ से बनाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, गोलियां बना के आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में ना रखें, ऐसे भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगी, ठीक है। और वो आपने कितनी खानी है दिन में? आपने ये इस तरह ये गोली बन गई, ठीक है, सुबह निहार मुंह गर्म पानी से जो है वो आपने ऐसे करके फांक लेना है, सुबह निहार मुंह गर्म पानी, आधे घंटे के बाद आपने। अच्छा गोली दिखाएंगी कितनी बड़ी है? ये गोली अराउंड इतनी है, एक मिनट मैं कैमरे में दिखाना चाहती हूँ, सही मिला दूं, अच्छी तरह मिक्स होगा तो फिर सही बन जाएगी। एक्चुअली खाना ही क्या इशू है, खाना मैंने इस वजह से इस तरह ये किया है क्योंकि लड़कियों को खाना ज्यादा इजी लगता है, बजाय ये कि पाउडर मुझे दे, मेरे हाथ में दे। अच्छा अब ये नजर आ रही है आप लोगों को, और बनाकर रख देंगे, ये साइज होना चाहिए गोली का, ठीक है, ये रोज सुबह निहार मुंह गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी एब्नॉर्मलिटीज 13 ईयर ऑनवर्ड जो है वो हर बच्ची को देना शुरू कर दें, आजकल जो इश्यूज हैं फिर इसके वजह जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है बाल आपके गिरते हैं, एक्नी होती है फेस पे, आपको जगह जगह जो है वो फेशियल हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, आप उसको पहले से जो है नेचुरल चीज है, इसमें कोई ट्रीटमेंट भी बहुत, और इससे आप देखिए महंगा भी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से आपका वेट गेन होता है, असली ही जैसे अभी डॉक्टर हकीम शाह नजीर
डॉक्टर ने बताया था आपका वेट लॉस करेगा. इसीलिए ये जो चीजें मैंने फॉर्मुलेशन बताई है ये टेबलेट फॉर्म में बकायदा अवेलेबल है और जो कि 7000 से ऑनवर्ड्स हैं. 7000 की 300 गोलियां हैं. तो ये सर्दी लगने लगी अमेजोन पे जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल. और यही चीजें हैं सारी उसमें डली हुई. अल्लाह ताला की खुदरत देखें पाकिस्तान में सारी चीजें मौजूद है. फिर भी हम पैसों अपने इतने पैसे डाले. अच्छा आपने तेल लगा के कपड़ा भी बांध दिया. ये गर्म तौलिया आप कोई भी लेंगे छोटा सा चावल लेंगी गर्म पानी में डाल के उसे निचोड़ेंगी और इस तरह तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप लपेट देंगी रोजाना. फिर आप देखें कि आपके स्प्लिट एंड्स भी खत्म हो जाएंगे और ये हल्की सी जो स्टीम है आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देगी और आपके बाल बहुत काले घने हेल्दी और डैंड्रफ से पाक हो जाएंगे. जी डॉक्टर मुबशरा अब आप क्या बताना. अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे उन लोगों के लिए जिनको गर्दन का बहुत ज्यादा सीवियर पेन है और स्पेशल बिल्कुल और स्पेशल जो छोटे बच्चे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेवी बैकपैक रहते हैं तो उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है और अब जो उनके जो पोस्चर लेवल है वो लिटिल बिट को हमने बच्चों की पीठ पे मारती रहती हूँ की यूज करो स्ट्रेट. बेटा तो फिर भी एक्सरसाइज करने लगा तो फिर भी हो गया. बेटी हूँ आएगी स्कूल से हम अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा ये क्या है तुम हमारी बेटी हो ऐसे आओ. टेन किलोस के जाहिर बात है बैग होते हैं 5 किलो छोटे छोटे बच्चों पे शोल्डर्स और आई वुड से के बैक के बहुत ज्यादा इशू है तो इसका थोड़ा सा मैं बाम बनाना बता दूं. और इसके इससे पहले बट एक प्रोसीजर होता है ये बहुत ही आसान सी चीज़ है. ये रबर वाली चीज़ें आराम से हर जगह मिलती हैं जहाँ पे शावर की सामान वगैरह मिलते हैं तो इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रश होता है और यहाँ पे होल्स होते हैं तो होल्स लेकर यानी आप ये परचेज कर लें कोई भी शॉप से और इसके अंदर ये हाथ लगाइए. बॉल्स टाइप की चीज़ होती है. ये सब कहाँ से मिलेगा ये कौन सी जहाँ पे एक्सेसरीज मिलती हैं जैसे साबुनदानी टाइप लग बिल्कुल जहाँ पे आपको ब्रश मिलता है बिल्कुल नहाने का सामान मिल रहा है बिल्कुल 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 ठीक है. तो ये ले लें और इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रीटमेंट ये करनी है कि अपने इर्द गिर्द यानी जो जितने शोल्डर हैं और बैक है उसको हमने इस तरीके से अवेकन अप करना है मसल्स को. ठीक है तो जहाँ पे पेन वगैरह है देसी घी का इसमें क्या काम है. ओके मैं बता रही हूँ क्योंकि ये आपने बेसिकली करना ये कि अपने बॉडी और मसल्स को तैयार करना है अवेकन अप करना है. फिर उसके बाद हमने ये बनाना है बाम. अच्छा फिर बाम लगाएंगे पहले आपने अपने जो मसल्स वगैरह थी उसको अवेकन अप यानी तैयार कर लिया. ठीक है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये किया. अच्छा उसके बाद आपने 1 टीस्पून फुल देसी घी एड इन किया. ठीक है उसके बाद मकई का पाउडर बना लिया. ठीक है मकई के जो दाने होते हैं उसका पाउडर बना लिया. कच्ची मकई का या पकी हुई. कच्ची मकई. उसके बाद पॉपकॉर्न बनते हैं ना वो वाली मकई की बात हो रही है उसको पीस ले. उसके बाद हमने 1 टीस्पून बेसन ठीक है ले लिया और इसके साथ सिनेमन दालचीनी का पाउडर जी आधा टीस्पून मकई का पाउडर सिनेमन बेसन भी है जी बिल्कुल बेसन घी और थोड़ा सा घी और सॉल्ट ले लिया हमने लोहरी नमक बिल्कुल ठीक है शहद ये हम मरहम बना रहे हैं बिल्कुल हमारे बाम बना रहे हैं जो सर्वाइकल पेन के लिए कंधों में दर्द है और कमर में दर्द होता है बच्चों के हैवी वो लेने के यहाँ की हाथ से मतलब यहाँ दर्द सर अक्सर अम्मियाँ कहती है बेटा ये दबा दो है ना यहाँ दर्द हो रहा था वजनी देगचियाँ वगैरह उठाने से आटा गूंदने से ये सारा दुख रहा होता है अक्सर खबर आप लोगों को होता है दर्द इधर और स्ट्रेस की वजह से भी यहाँ दर्द होता है ना पूरे शोल्डर्स में. अच्छा ये मैंने लिया चावल को उबाल के जो उसका पानी बचता है तो फेंके नहीं ये आपने तकरीबन ये कितना लिया 1 to 2 teaspoon लिया है क्योंकि घी का कंजम्पशन 3 to 4 teaspoon होता है यानी डेली आप ले सकते हैं. इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया. ठीक है और ये मिक्स करके इस तरह बाम की तरह लगा के और उसके ऊपर पट्टी बांध लेंगे. ठीक है ये एक मिनट हो गया मिक्स हो गया. ये मैं चाह रही हूँ कैमरे में दिखाएं कि मिक्स होने के बाद ये कैसा लगेगा. एक और चम्मच ले लेना आप ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे हाथ गंदे ना हो. मैं पानी लेना चाह रही हूँ. जी जी ले लें मैं आपकी हेल्प कर दूँ. ये निकालो पानी जी बिल्कुल ये चावल का पानी हुई बिल्कुल ताकि इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ जाए. मिक्सर
ठीक है, दिखा दूं अभी लोगों को इस टाइप का कुछ बनेगा। अब इसको लगाना कैसे है वो हम आपको बताते हैं अभी। अभी डॉक्टर मुबशरा बताती हैं किस खातून के दर्द है, कंधों में या गर्दन में, किसको दर्द हो रहा है शदीद वाला है? हो तो मुझे रहा है लेकिन मैं नहीं बैठ सकती उधर, फिर शो कौन करेगा। हाँ, किसको दर्द हो रहा है? आ जाए ना आप, आपकी खिदमत करने का मौका मिले मुझे। आ जाए बैठ जाए। वाकई जब आपकी तकलीफ होती है कोई अगर ऐसे आके हाथ भी रख देता है ना, अल्लाह दिल से दुआ निकलती है ना। बिल्कुल। अच्छा तो हम बिगिन करेंगे। अच्छा एक और चीज हो सकती है जिससे फर्ज करें लोगों को ये ना मिले, हर जगह कंचे होते हैं, हर जगह होते हैं, अगर हम कंचों को मलमल के कपड़े में बांध के उससे करें मसाज, वो भी सही है मगर वो फिसलेंगे, ठीक है ना, वो फिसलेंगे मगर ये जो नहाने वाले जो साबुन वगैरह और जो ब्रश वगैरह मिलते ना कपड़े धोने के, वहाँ पे आराम से मिल जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने भी लिया है और बनवाया है तो ये कॉस्ट किया है मुझे तकरीबन 50 रुपए, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट हम ये पता है ये बेसिकली बॉडी के लिए, बॉडी को साफ करने के लिए, धोने के लिए ये मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये ब्रश टाइप का है मगर इसको कहते क्या है, हम जाके क्या कहें, वो बॉडी को वॉश करने वाला दे दे। नहीं, जो ब्रश आपको जिस तरीके से ये नजर आ रहे हैं ऊपर उभरे हुए, तो ये हर जगह आपने देखना है और वहाँ से आप पिक करके कर लें आराम से। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। हाँ, और ये बाद मरहम, ये करने के बाद फिर मरहम कैसे लगेगा? अच्छा, अब हम इसकी गर्दन पे ही लगा सकते, तुम भी तो पूरा फुल यहाँ तक पहन के आई हो गला बाजी। हाँ, जैसे जहाँ जहाँ कंधों वगैरह में दर्द है तो ये हम मरहम वहाँ वहाँ लगाएं, वहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इट्सेल्फ ओके, यानी कि हमें मसाज नहीं करने की जरूरत, बस हम लगा के छोड़ देंगे। कितनी देर तक छोड़ेंगे हम? तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, बाल तुम्हें प्लीज बांधने होंगे। हाँ, नहीं तो तुम्हारे बालों में वो लग जाएगा, पर तुम्हें मैं वॉश कर दूंगी, कोई इशू नहीं, ये एरिया ही मुझे मिली है। हाँ, तो दिस इज ऑल आई कुड डू। सबसे ज्यादा दर्द यही होता है, मेरे तो टेंशन और स्ट्रेस होता है, मेरे बच्चों के पेपर होते हैं, मेरे कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे गर्दन के पीछे दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो उसका भी मैं बता दूँ कि अगर जैसे हमारे कोई क्लिनिक पे आते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए, एक्यूप्रेशर है, तो फौरन आपका विद इन 2 सेकंड्स आपका दर्द खत्म हो जाता है। मैं बता देती हूँ, किसी का होता है ना गलत तकिए पे, ऐसा भी तो होता है गलत तकिए पे सो गए या हाथ नीचे रख लिया, स्ट्रेस की वजह से, पैसों का स्ट्रेस है, खर्चे का स्ट्रेस है, कोई और स्ट्रेस है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा आपके ये सफर करती है चीजें, गर्दन और कंधे। तो 2 मिनट के अंदर भी वो दर्द दूर हो सकता है। वैसे तो हमने आपको बता दिया घर में आप ये बना सकते हैं, सारी चीजें आपको बता दी गई है, लेकिन 2 मिनट के अंदर भी क्या क्या प्रोसीजर होता है वो? इसको कहते हैं कि ये बेसिकली मार्बल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हमें उस जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे हमने स्पॉट लगाने होते हैं विद इन फ्यू सेकंड। नहीं नहीं, ये इट्स लाइक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड की है ये, और इसमें माइक्रो करंट होता है। अच्छा, एट द स्पॉट। आपने कोई मेटल पहना हुआ है? ओके, ठीक है, बस इसी तरीके से रहिए। ला मुझे बाल दे दो, मैं तुम्हारे बाल इस तरह चुटकी है कोई नहीं, 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 आप पकड़ेंगी? अच्छा, मैं पकड़ूंगी नहीं, मुझे कुछ हो जाएगा, आपको करंट लगेगा, इस वजह से आपको नहीं लगेगा करंट? नहीं, मुझे, मैं भी हाथ बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये तो कपड़ों के साथ आप करिए, वैसे कपड़ों के ऊपर ही करना है, कपड़ों के ऊपर ही करना जी, बिल्कुल, इसको बेयर स्किन पे नहीं करना है। ठीक है, रेडी? ओई, ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं? बिल्कुल। और इससे 2 सेकंड में दर्द गायब? बिल्कुल। मैं तो आ रही हूँ आपके पास, मुझे तो सबसे ज्यादा दर्द जो होता है ना टेंशन की वजह से वो इधर ही होता है, हैं? ओके, हम ब्रेक पे जा रहे हैं जनाब, आपको अभी बहुत कुछ बताना है देसी घी के हवाले से, आज बहुत इंफॉर्मेशन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं लेकर आए हैं, वो मुझे जरा सी हेडलाइन दे दे कि जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो हकीम साहब आप क्या बताएंगे? मैं फेशियल हेयर को खत्म करने का बताऊंगा, फालतू बाल, नापसंदीदा बाल, मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएंगे, और अपने बालों को इंच के हिसाब से लंबा करने का तरीका भी बताऊंगा। इंच के हिसाब से? इंच के हिसाब से। आप क्या बताएंगे? 1 इंच का इजाफा। हाँ, खुश खांसी आपने कहा था, खुश खांसी, दिमाग बच्चों का तेज होगा, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत खत्म करना है हमने। आइए जी, ब्रेक के बाद जानिए बहुत सारी मजे की इन्फॉर्मेशन देसी घी के रेफरेंस से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देसी घी के बारे में आज आपने बहुत कुछ जाना, मगर अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं और मैं अब आपके साथ आ रही हूँ। हकीम साहब, आप बताएंगे जो आप हेडलाइन हेयर फेशियल हेयर को खत्म करने के लिए बहुत ही मुख्तसर सी दो तीन चीजें हैं ये जी। ये काफी थ्रेडिंग करने के बाद बहुत मोटे बाल निकल आते हैं, ठीक है, ये उसको भी खत्म कर देगी। कम से कम दो से ढाई माह के अंदर अंदर ये बारीक होकर खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ओके। लेकिन अपने हार्मोन्स को बैलेंस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा? देसी घी। हाँ, देसी घी के साथ क्या मिलाएंगे? देसी घी एक चाय वाला चम्मच। जी जी। फिर इसमें ये डालेंगे किस्ते शीरी। कस्ते शीरी, ठीक है। किस्ते शीरी, किस्ते के कस्ते, किस्ते शीरी। अच्छा, किस्ते शीरी। अच्छा, इसे कुस्ते शीरी भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसे किस्तुल बहरी भी कहा जाता है। ये कितना डलेगा? ये डलेगा 50 ग्राम। 50 ग्राम, ठीक। 50 ग्राम, ठीक। इसमें डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी है, ये इसका पाउडर है, ये भी 50 ग्राम। डन हो गया, ठीक है। इसमें एक ऑयल आता है, जड़ी बूटी होती है खस, ये उसका ऑयल है रोगन खस। रोगन खस खस और सीन खस, ये एक तोला डाल लेना, यानी 10 ml, ठीक है, ठीक है। इसे मिक्स करके अब अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये बनेगा पाउडर ही, ठीक है। और जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बना के और अपने फालतू बालों पे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। एक टाइम रोजाना करना है, 2 महीने तक करना है। आप देखना एक महीने में काफी बेहतर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये बारीक होके खत्म होना शुरू हो जाएंगे और 2 महीने में जान छूट जाएगी। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, ये देसी घी इतना मिलाना है कि इसका पेस्ट बन जाए? नहीं नहीं, इसका पेस्ट पानी में बनाना है, ये पाउडर ही बनता है। अच्छा, जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप कर। हम पानी मिला के दिखा सकते हैं कि किस तरह का बनेगा? ये देखिए जरा, ये इस तरह का देसी घी मिलाने के बाद इस तरह बनाए और जो इसे लेप पानी में मिला के होगा वो इस तरह मिक्सचर। मैं एक मिनट मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, जरा अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। फायदा क्या ऐसा पाउडर पाउडर दिखाने का? ये देखिए, पूरे मुल्तानी मिट्टी की तरह बन जाएगा लेप जी, बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह का लेप होना चाहिए। मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ, मिक्स करके सारी मरोड़ियां खत्म हो जाए इसमें से, बिल्कुल बिल्कुल। और वो लेप लगा के कितनी देर तक छोड़ेंगे? ये रात को लगा लें, सुबह धो लें। अगर रात को नहीं लगा सकते तो दिन को 2 घंटे के लिए लगा लें, 2 घंटे के बाद धो लें, ठीक है। एक टाइम रोजाना करना है, आप देखिएगा। सिर्फ फेस के लिए, पूरी बॉडी के लिए? ये जहाँ जहाँ पे फेशियल हेयर हो, जहाँ पे फेशियल हेयर है तो सिर्फ मुंह पे होंगे ना? बाद लोगों को खवातीन में कंधों पे भी निकल आते हैं, हाथों में गैर जरूरी बाल होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है, चिन के लिए बहुत बेहतर है। ये मर्द हजरात भी लगा सकते हैं जिनको यहाँ पे फालतू बाल आ रहे हैं, बुरे लगते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है, ठीक है। ये चीज हो गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊँ देसी घी के अपने शो को, मैं बताना चाहूंगी जो लोग, जो पब्लिक कराची किंग्स को सपोर्ट करना चाहती है और उनकी जर्सी और उनकी मर्चेंडाइज खरीदना चाहती है तो वो विजिट कर सकती है www.yewo.com। साथ विजिट करें कराची में मौजूद किसी भी TCS एक्सप्रेस सेंटर पे, ताकि आप वहाँ फिजिकली जाके खरीद सके। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्पॉन्सर्स हैं कराची किंग्स के लिए, टाइटेनियम स्पॉन्सर है बैरिया टाउन, प्लैटिनियम स्पॉन्सर है नूरपुर और द आर्केडियंस, गोल्ड स्पॉन्सर है शील्ड, ऑफिशियल सुपरमार्केट जो स्पॉन्सर है वो है इम्तियाज सुपरमार्केट, ऑफिशियल पेंट पार्टनर है ब्राइटो पेंट, ऑफिशियल पार्टनर है अल खैर 5-स्टार फॉर्म्स, ऑफिशियल ग्राउंड पार्टनर है नया नाजिमाबाद, ऑफिशियल ब्यूटी क्रीम पार्टनर है गोल्ड पर्ल ब्यूटी क्रीम, ऑफिशियल एकेडमिक पार्टनर है जी इंटरनेशनल स्कूल, प्रिंट पार्टनर्स है स्कोरलाइन एंड पाकिस्तान ऑब्जर्वर, रेडियो पार्टनर्स हैं अपना कराची FM 107 एंड रेडियो आवाज, और मॉल पार्टनर्स हैं डॉबलिन मॉल, लकी वन एंड ओशन मॉल। जी जनाब, आगे बढ़ाती हूँ अपने शो को और डॉक्टर फरा के पास जा रही हूँ मैं। आप और क्या बता रहे थे? मैं एक चीज बता रहा था कि जैसे मैंने कहा था ना, इंच के हिसाब से अपने बाल लंबे करें, इंच के हिसाब से बाल, बताइए टाइम कम है, इजाफा होगा। बहुत ही मुख्तसर नुस्खा है, क्या है ये? गंजपन के लिए तिल का तेल, ये आधा पाओ तिल का तेल, आधा पाओ ले लिया, ये 1 इंच कितने दिनों में? 40 दिन में। 40 दिन में 1 इंच का इजाफा होगा इंशाल्लाह, आपके बालों की लेंथ में 1 इंच का इजाफा होगा। जी जी, इसमें है ये कद्दू का तेल, कद्दू का तेल, कद्दू का तेल 30 ml, 30 ml। पहले आपने क्या डाला था? मैंने तिल का तेल आधा पाव डाला था 120 ml और कद्दू का तेल 30 ml, उष्णा बूटी का ऑयल, उष्णा बूटी का ऑयल, ये गाढ़ा तेल होता है ये 60 ml, ठीक है। रोगन नागर मोथा, ये नागर मोथा बूटी है, ये उसका नागर मोथा जी, इसका वजन भी है 60 ml, ठीक है। रोगन
रोगन नागर मोथा, नागर मोथा जी हाँ, ये हंसराज बूटी है। ओके, एक चम्मच के बराबर। वाओ, बालछड़ एक टुकड़ा, ठीक है, और एक चम्मच देसी घी। एक चम्मच देसी घी, इतना जबरदस्त ये तेल बन गया, बस कंप्लीट हो गया। इसे एक घंटे के लिए धूप में रख लें, उसके बाद बालों पे लगाएं। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनकी आईब्रोज व्हाइट हो रही हो, आईब्रोज घनी नहीं हो, ये वो भी लगा सकते हैं और ये गंजपन को भी खत्म कर देगी। ठीक है, ये तोहफा लेके जाएंगी, कोई तोहफा लेके जाएगा। और इससे पहले कि रानी आपा बताए, मैं इनको डॉक्टर फरा को मौका देना चाहती हूँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। सॉरी, डॉक्टर फरा ने बताना है कि बच्चों की मेमोरी कैसे तेज हो, और बच्चों की मेमोरी इस वक्त इसलिए जरूरी है कि एग्जाम्स बिल्कुल सर पे है। जल्दी से बताए डॉक्टर फरा क्या चीज है। हां, तो बहुत कुछ बताने का, जैसे ड्राई कफ का रह गया, अभी हमने लेना है एक गिलास दूध लेंगे हम इसमें, ठीक है। एक गिलास दूध में हम मिला लेंगे 3 से 4 पत्ते इसके गुले गौजबान, इस तरह का होता है, आपने इतना ले लेना है गुले गौजबान, आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। आपको बरहमी बूटी मिल जाएगी आराम से, इसको आपने अच्छे से सफाई करनी है, साफ करके ये रखा हुआ है ऑलरेडी, इसको आपने इस तरह, इसके जो पत्ते होते हैं वो आप इसके अंदर इतने से ऐड कर लेंगे बरहमी बूटी के। ये बच्चे क्या करेंगे, खाएंगे पी नहीं, ये बिल्कुल आराम से पी लेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होगा। अच्छा, बिल्कुल पी लेंगे। और ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। आपको पता है कि आजकल मेमोरी बहुत ज्यादा लॉस हो रही है, आपके मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं, इस तरह आपने अखरोट लेने हैं 2 से 3, ठीक है, आपने अखरोट इसके अंदर डाल देने हैं। और देसी घी किधर है, देसी घी अभी डाल रहे हैं। और ये आपने आधी चम्मच आपने मिलाना है तरबूज के बीज, तरबूज के बीज, ठीक है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जब हम गिलास में निकालेंगे, निकाल के फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा जब पीने लगेंगे तो हम थोड़ा सा देसी घी इसमें मिलाएंगे, क्योंकि आज का हमारा खास जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा देसी घी। हम बच्चों को अगर इसकी कुल्फी जमा के देने तो चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर वो इस तरह कुल्फी जमा कर दे सकती हैं आप, क्योंकि नहीं पीते ना बच्चे, कितनी अभी देखिए इसको हमने अभी, क्योंकि लोगों को हमने दिखाना होता है कि हर्ब्स क्या है, ये इसके पाउडर्स बन जाएंगे, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आप हाफ टी स्पून से भी कम आप पाउडर ऐड कर लेंगे, ठीक है, और बच्चों को पता नहीं चलेगा। इसमें आप शहद मिलाएंगी और साथ ही साथ देसी घी इसमें मिलाएंगे आप, तो ये तो घट घट के ये आराम से बच्चे पी लेंगे। बच्चे पीते हैं, हाँ। ये हम लोग देते हैं, जरूरी है ये बच्चों के लिए, उनके दिमाग तेज होगा, हाँ। और आपका ये देसी घी जो आज खास आज का इंग्रेडिएंट है, ये आप, हाँ। इतना सा देसी घी इसमें मिलाएंगी और ये आपका ब्रेन बूस्टर रेडी है। ब्रेन बूस्टर जी। अच्छा जी, आप बताएंगे खुश खांसी के बारे। खुश खांसी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, उसमें भी बहुत कुछ नहीं है और बहुत कम चीजों में हम बनाएंगे हमारा खास इंग्रेडिएंट हमारा देसी घी। अगर मुझे स्पून मिल जाए सादा वाला, तो सादा स्पून, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हम इसमें लेंगे देसी घी। ओके, देसी घी के ये ठीक है। खांसी आजकल बहुत ज्यादा है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, खुश खांसी जी, जी। अच्छा, इसमें जो है दूध हजार दानी के नाम से आपको जड़ी बूटी मिलेगी, उसका पाउडर बना के आप रख लें, वो आप डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून, ठीक है। अच्छा, दूध हजार दानी बूटी दिखाएं जरा कैसी होती, क्या डलेगा आप बता रही हैं जो ये। अच्छा, एक मिनट, आपने देसी घी डाला और दूध हजार दाने जड़ी बूटी हमने इसका पाउडर बना के ये ऐड कर दिया, इसका पाउडर, ये दूध हजार दानी कहलाती है, इसका पाउडर कितना ऐड किया आपने, तकरीबन आधी टीस्पून, आधी टीस्पून। इसमें हम काली मिर्च मिलाएंगे 1 से 2 चुटकी। अच्छा, ये बनेगा आपका तकरीबन एक हफ्ते की आपकी दवाई बन रही है। अच्छा, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा काला नमक, ठीक है, 2 से 3 जी, 2 से 3 चुटकी हमने काला नमक मिलाया है, और शहद हम इसमें मिला लेंगे, ठीक है, आधी चम्मच, एक चम्मच भी आप मिला लें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और साथ आप इसमें मिला लेंगे आपका सिल्वर पेपर, ये जो चांदी का वर्क, चांदी का वर्क आप लाजमी मिलाएंगे इसमें। अच्छा जी, ठीक है, ये आप मिलाएंगे, आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चूंकि शहद हमने कम ऐड किया, शहद थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डलेगा, ताकि एक आपका बन जाएगा माजून टाइप का जी, ये आपका माजून बन जाएगा। और ये आप थोड़ा सा आपने खाना है, बच्चे हैं या बड़े हैं, आप थोड़ा सा जब भी खांसी हो रही है आपने इतना सा लेना है, थोड़ा सा चम्मच में लेकर चाट लेना है, चाट लेना है, लाइक खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी आपका जब आपको खांसी हो रही है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात, फोन पे बात कर रहे हैं, बात नहीं हो रही, इतनी खांसी हो रही है, तो जब आप लेंगे आपने इतना सा लेना है। लेकिन मैं एक मिनट दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, ये इन्होंने कहा कितना, दोबारा बताइए मुझे डॉक्टर फरा, आप समझे इतना सा, ये बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें चम्मच में वो लगा हुआ है घी, तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, ये दूसरा चम्मच, हाँ ये। अच्छा, ये इतना सा आपने लेना है, ये देखिए, इतना सा बस चाट लें
और आपकी खांसी इंशाल्लाह आपकी खांसी जैसी खत्म होगी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच रानी आपा, आप प्लीज कुछ कह रही थी। मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और उसमें मैंने 31 मार्च तक 50% डिस्काउंट दिया हुआ है अपनी तमाम सर्विसेज पर। ठीक, और जो हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आएगा GMP के हवाले से, तो उसके उसको 50% डिस्काउंट है और बाकी तमाम लोगों को 40% डिस्काउंट। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सारे एक्सपर्ट्स का। आप लोगों ने इतनी जबरदस्त चीजें हमारी जो व्यूअर्स है मेरे महके वाले उनको बताई। देसी घी का इस्तेमाल जिंदगी से वाइंड अप ना करें, खत्म ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वही वाली बात है ना, किसी भी चीज की जो जो इस्तेमाल है वो बेयाना रबी से करनी चाहिए। यही नहीं कि आप देसी घी है तो खाने की इजाजत मिल गई है तो बस पूरे वक्त उसी में खाने पक रहे हैं, उसी में खा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी भी चीज की ज्यादती, चाहे वो कितनी भी फायदेमंद हो, नुकसान दे हो। थैंक यू सो मच आज सारे एक्सपर्ट्स का। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और वही मुस्कुराते हुए हंसते हुए कोशिश करूंगी कि आपको वेलकम करूं और आपके दिन को अच्छा बनाऊं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू।